नमस्कार स्वागत है आप सभी के ज्ञान सम्मान के मंच पे। तो अभी हाल ही में आपका बी पी एस सी का एग्जाम संपन्न हुआ और ऐसे में जो है इसको लेके बहुत सारे विद्यार्थियों का जो है अच्छा रिस्पांस हमें नहीं मिल पा रहा है जैसे वो उम्मीद कर रहे थे वैसा उनका एग्जाम जो है नहीं गया है तो ऐसे में अब हम लोग क्या करें प्रश्न यही है तो इस प्रश्न का जो है उत्तर ढूंढने का हम लोग प्रयास करेंगे बहुत सारे बच्चों का रिस्पॉन्स ये था कि पेपर उतना अच्छा नहीं गया जैसे उम्मीद कर रहे थे टाइम मैनेज नहीं कर पाए कुछ क्वेश्चन छूट गए कुछ लोगों का कहना था कि क्वेश्चन जो है बिल्कुल यू के पैटर्न पर आ रहा है आखिर क्वेश्चन ये आ कहाँ से रहा है आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ रहा है बहुत तरह तरह का यहाँ पे प्रश्न है था तो मैं सोचा क्यों ना इंडिविजुअल जवाब देने से एक वीडियो ही आप लोगों के लिए बना दूं कि जो लोग भी बीपीएससी 69 एग्जाम देने वाले हैं यदि इस लेक्चर को देख लेते हैं तो आपको सिक्सटी नाइन एग्जाम के लिए मैं बात कर रहा हूँ चाहे आप प्रिलियम्स देंगे या मेन्स आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है बिल्कुल एक फुल प्लान फुल स्ट्रेटजी हम लोग डिस्कस करेंगे आजकल आपको पता ही है कि सिविल सर्विस सर्विसेज में जो है भीड़ बढ़ गई है पहले के रिस्पेक्ट में अधिक लोगों का झुकाव ये हो गया है पहला पसंद अभी सिविल सर्विसेज ही है ऐसे में बीपीएससी भी पहला पसंद काफ़ी लोग का बन गया है अब इस दौर की अगर बात करें जब पहला पसंद बन गया है यदि आपका स्ट्रेटजी अगर सही नहीं हुआ आप सही तरीके से अगर प्लान नहीं कर पाते हैं तो आपको पता है टाइम लिमिटेड है चाहे कोई एग्जाम आप देने जा रहे हैं और लाखों की संख्या में लोग बैठते हैं चार से पाँच लाख लोग बैठ रहे हैं और सीटें जो है कितनी होती है सब आपको पता है तो रिजल्ट जो फाइनल आउटपुट का बात करें तो जीरो पॉइंट जो है जीरो वन प्रतिशत में जो है आपको देखने को मिलता है तो ऐसी स्थिति में यदि हम अपना स्ट्रेटजी अच्छा नहीं रखें तो हम एग्जाम से ऐसे ही बाहर हो जाएंगे तो ऐसी स्थिति में आपका स्ट्रेटजी जो है बहुत ही बेहतर होना चाहिए तो उसको लेकर हम लोग बात करेंगे दूसरी बात ये कि अभी मार्केट में जो है अफवाह चल रही है कुछ जो है बुद्धिजीवी वर्ग के लोग आके बता रहे हैं आपको कि अब बी जो है बी नहीं रहा अब यू बन गया तो हम लोग देखेंगे आज पेपर को भी जो अभी पेपर आपका मेंस में आया क्या वाकी जो है आपका बीपीएससी यूपीएससी बन गया क्या ठीक है और इस बीपीएससी सिक्सटी के प्रिपरेशन में जो है ज्ञान सम्मान आपके लिए जो है क्या काम करेगा तो हमारा प्लान आपके लिए बहुत ही एक बड़ा प्लान हम बनाए हैं आपके लिए यदि आपका सहयोग रहा तो हम लोग जो है सिक्सटी नाइन में बहुत सारे बच्चे जो है यहां से सफल होंगे जो भी जुड़ेंगे अपना प्लान जो है बहुत बेहतर है मैं डिस्कस करूंगा थोड़ी देर बाद तो आज हम लोग इन्हीं मैटर पर डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहले हम लोग देखेंगे सिलेबस देखेंगे कि सिलेबस जो है क्या है फिलिम्स या मेन्स एग्जाम का देखिए कोई एग्जाम का यदि आप प्रिपरेशन करने जा रहे हैं किसी एग्जाम का मैं बीपीएससी ही बात नहीं कर रहा हूं सबसे पहले आपका काम क्या होता है सिलेबस देख लेना ठीक है दूसरा काम होता है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख ले तीसरा काम होता है आपका एनालिसिस कर ले सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेसिस पे एनालिसिस कर ले और चौथा काम है अपना आप एक स्ट्रेटजी डेवलप कर ले कि आप कैसे आगे बढ़ेंगे पांचवा काम आपका ये हुआ कि आप बुक का सिलेक्शन कर ले अच्छे बुक का देखिए यदि आप गलत बुक का सिलेक्शन करके आगे बढ़ रहे हैं तो यह आपका स्ट्रेटजी अच्छा नहीं है अगर कहीं भी आप चुक करते हैं तो एग्जामिनेशन से बाहर होने का बहुत ही ज़्यादा खतरा रहता है तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग सिलेबस देख लेंगे एग्जाम डेट क्लियर हो चुका है उसके बारे में भी थोड़ा बात कर लेंगे हम लोग चूंकि लेक्चर जो है इस परपज से बनाया जा रहा है जो लोग पहले से ऑलरेडी बीपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए तो लाभदायक है ही जो बिल्कुल कुछ नहीं जानते हैं वो भी यहाँ पे फुल जो है बीपीएससी के बारे में आपको पूरा स्ट्रेटजी डिस्कस किया जाएगा तो दूसरा मैटर पे बात करेंगे हम लोग एग्जामिनेशन डेट तीसरा सब्जेक्ट वाइज हम लोग वेटेज देखेंगे बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए ये काफ़ी आपके लिए महत्वपूर्ण है इससे आप जो है डिसीजन ले सकते हैं कि आप किस सब्जेक्ट पर कितना जोर दें या किसको जो है आप इग्नोर भी कर सकते हैं इसके अलावा हम लोग बुक्स के ऊपर बात करेंगे कि कौन से बुक्स को हम लोग को पढ़ना चाहिए नेक्स्ट मैटर अपना होगा बीपीएससी सिक्सटी एट का जो है अभी मेंस का पेपर हुआ इसका एनालिसिस ये मस्ट इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए जो भी सिक्सटी नाइन या सेवेंटी जो भी देने वाले हैं मस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए चूंकि अब की बार जो है पैटर्न यहाँ पे चेंज हुआ है पेपर पूछने का तरीका बदला है तो सेम यही पैटर्न आपका एग्जाम में रहने वाला है तो ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है फिर हम बात करेंगे कि टेस्ट सीरीज हमको देना चाहिए नहीं देना चाहिए और आखिर टेस्ट सीरीज देना चाहिए तो कितना टेस्ट सीरीज देना चाहिए इसके अलावा भी बहुत सारे प्रश्न पे हम बात करने वाले हैं जैसे कुछ लोगों का प्रश्न होता है कि आखिर हम एनसीआर टी पढ़े या ना पढ़े बिना एनसीआरटी पढ़े जो है एग्जाम क्वालिफाई कर पाते हैं या हम नहीं कर पाएंगे बहुत सारा क्वेश्चन होता है आप लोगों का तो इसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम लोग इसका एक मोटा मोटा जो है सिलेबस देख लेते हैं ठीक है फिर हम लोग इसी सिलेबस के बेस पे यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेस पे एक आपका ट्रेंड एनालिसिस है उसको देखेंगे फिर हम लोग मेंस को देखेंगे तो ये वीडियो का लेंथ जो है हो सकता है थोड़ा बड़ा हो जाए बट यदि आप प्रिपरेशन अभी कर रहे हैं तो अपना प्रिपरेशन तुरंत रोक दें और सबसे पहले ये वीडियो देख लें क्योंकि ये आपके प्रिपरेशन में जो है आपको एक अच्छे मुकाम पर ये पहुँचाने में बहुत मदद करेगा इसमें हम लोग बिल्कुल डिटेल में हर एक चीज़ों को देखने वाले हैं ठीक है अगर जिनको मान लीजिए ये लेक्चर स्लो लग रहा है YouTube आपको ऑप्शन देता है आप वन तो 1.25 1.5 करके इसको देख सकते हैं और इस लेक्चर को अधिक से अधिक शेयर करेंगे आप लोग क्योंकि हम लोग यहाँ पे बीपीएस के लिए मैं पहले ही बात किया था आपका बीस मई को हम लोग इसके लिए बात करेंगे आज बीस मई ही है थोड़ा सा डिले हो गया चूंकि मैं थोड़ा सा बिजी था इसलिए आपका ये लेक्चर बनने में थोड़ा डिले हो गया ये शाम को जो है अपलोड हो रहा है आपका बाकी बीपीएससी सिक्सटी नाइन के लिए स्पेशल बैच यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो मैं और लोग भी कुछ आपके साथ जुड़ सकते हैं यहाँ पे इस प्रिपरेशन में आपके साथ पूरा प्री से लेके मेंस प्लस इंटरव्यू तक आपके साथ रहेंगे इस प्रोग्राम से आप जुड़ सकते हैं जो लोग भी इंटरेस्टेड होंगे वो लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कितने लोग जो है इस प्रोग्राम को लेकर इंटरेस्टेड हैं तो बिल्कुल हम जीरो से यहाँ पे स्टार्ट करेंगे एनसीआरटी वगैरह पढ़ते हुए जो जो रिक्वायरमेंट होगा हम आपके साथ रहेंगे आपको कुछ काम दिया जाएगा देखिए अब कोई भी यदि बड़ा काम करना है आपको तो इसमें एक हमारी भूमिका तो रहेगी ही देखिए तीन चीज होती है एक होता है आपका किसी भी एग्जाम का यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एक मार्गदर्शक आपका अच्छा होना चाहिए दूसरा बुक का यदि आप सिलेक्शन अच्छा कर लेते हैं तीसरा यदि टाइम का मैनेजमेंट आप अच्छा कर लेते हैं ये तीनों चीज अगर आपका सही से हो गया मार्गदर्शक आपको अच्छा मिल गया ठीक है अब आपको क्या करना है आप टाइम का मैनेजमेंट अच्छा कर लिए बुक का सिलेक्शन अच्छा से कर लिए और जो जो आपको बताया जा रहा है यहाँ पे वो अच्छे से यदि कर लेते हैं दो तीन बातों को ध्यान में रखते हुए तो आपका एग्ज़ाम जो है बिल्कुल आप क्वालिफाई करेंगे और ऐसे बहुत सारे लड़के जो है प्रिलिम्स जो है क्वालिफाई किए भी थे सिक्सटी एट में उनके लिए एक छोटा सा हम गाइडेंस प्रोग्राम चलाए थे काफ़ी कम लोग उसमें ऐड हुए थे वो प्रोग्राम जो है इंडिविजुअल जो है पर्सनली था तो ये यूट्यूब पर आपके लिए प्रोग्राम है तो यहाँ पर बहुत सारे लोग जुड़ सकते हैं हमारा भी टारगेट ये है कि अब क्वालिटी एजुकेशन से कोई वंचित ना रहे चाहे आप गाँव में रह रहे हैं कहीं भी रह रहे हैं आपको क्वालिटी एजुकेशन जो है दिया जाए इसमें हमारा पूरा आपके लिए एक ईमानदार प्रयास रहेगा आपसे भी हमें उम्मीद और अपेक्षा यही है कि आप सहयोग करेंगे और ये लेक्चर जो है अधिक से अधिक लोगों में शेयर करेंगे और बिल्कुल ये आपको जीरो कॉस्ट पे कराया जाएगा तो कोई फी वगैरह नहीं लिया जाएगा चाहे प्री हो चाहे मेंस हो या इंटरव्यू हो किसी के लिए कोई भी यहाँ पे फी की कोई बात नहीं की जाएगी तो बिल्कुल फ्री रहेगा आपके लिए ये तो फ्री है तो अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में आता है फ्री है तो क्वालिटी नहीं होगा फ्री है तो पूरा नहीं कराया जाएगा तो ऐसा बात नहीं यदि आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो बिल्कुल आपके साथ जो है हम एक एक कदम पे आपके साथ हम रहेंगे ठीक है आप एंसर राइटिंग करेंगे आपका एंसर का मूल्यांकन किया जाएगा आपको बताया जाएगा कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हैं ठीक है आप कहाँ लाइक कर रहे हैं इंडिविजुअली आपसे बात किया जाएगा वीक में एक बार जो है सब लोगों को कनेक्ट करके जूम वगैरह पे जो है आपसे बात किया जाएगा तो बिल्कुल एक प्रॉपर तरीके से बढ़ा जाएगा ठीक है आप लोग का रिस्पॉन्स यदि अच्छा रहा तो यहाँ पर हम लोग लाइव क्लास करेंगे तो हमारा प्लान आपके लिए बड़ा है हमारा प्लान ये है कि जितने लोग जुड़े यहाँ पे मैक्सिमम लोग का रिजल्ट हो ठीक है अब ऑलरेडी पिछले एक दो लेक्चर में जब टेस्ट सीरीज हम डिस्कशन कर रहे थे आपको बताए थे एक महीने बाद जो है आपको एक टेस्ट लिया जाएगा और उस टेस्ट में जो लोग भी अच्छा परफॉर्म करेंगे तो जो टॉप जो है आपको फिफ्टी टॉप जो पचास लोग होंगे ठीक है उनके लिए जो है स्पेशल एक गाइडेंस प्रोग्राम चलाया जाएगा आपको स्पेशल जो है कुछ केयर किया जाएगा आपका सिंपली क्योंकि अपने को जो है रिजल्ट चाहिए तो जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं वो अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे मुझे पूरा उम्मीद है बाकी सबके लिए यहाँ पे जो है काम किया जाएगा चलिए तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं देखते हैं सिलेबस जो है क्या है क्या चेंजेज हुए हैं देखिए सिलेबस जो है पुराना है बीपीएससी के वेबसाइट से लिया गया है तो इसमें थोड़ा सा अपडेशन कम है हम अपडेट कर देंगे देखिए प्रारंभिक परीक्षा की बात की है तो आपको पता है दो घंटे का परीक्षा होता है डेढ़ आपको क्वेश्चन आते हैं ठीक है और डेढ़ क्वेश्चन में आपको निगेटिव जो पहले नहीं होता था निगेटिव भी होता है और जहां तक सुनने में आ रहा है पहले आपको पांच ऑप्शन होता था यहां पे चार ऑप्शन देखने को मिलेगा यानी अब ए बी सी डी और वन थर्ड इसमें आपको निगेटिव देखने को मिलेगा ये सब जो है प्री के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं एक क्वेश्चन का टेस्ट होता है ठीक है और ये पूरा प्रश्न आपका वस्तुनिष्ठ होता है बहुबिल विकल्प प्रकार का होता है ठीक है अब जो है बीपीएससी सिक्सटी एट के पेपर देखेंगे तो कुछ क्वालिटी क्वेश्चन जो है इंप्रूव हुआ क्वालिटी क्वेश्चन कहने का मतलब ये है थोड़ा सा इनका झुकाव जो है यूपीएससी लेवल का थोड़ा सा बढ़ा है इनका तो अच्छे क्वेश्चन जैसे मान लीजिए पहले जैसे फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते थे आज से पहले तो उसमें थोड़ा चेंजेस देखने को मिले हैं और डेफ में भी बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है ये प्री एग्जाम को लेकर बात हुआ ठीक है मुख्य एग्जाम की अगर बात करें तो यहाँ पे सामान्य हिंदी का आपका एक टेस्ट होता है तीन घंटे का ठीक है ये क्वालिफाइंग इन नेचर है इसका भी हम प्रश्न पत्र आज देखेंगे सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र जो है आपका फर्स्ट यानी जी एस वन ये आपका तीन सौ मार्क्स का आता है इसका भी प्रश्न पत्र आज देखेंगे तो बिल्कुल जो एग्जाम में रियलिटी है आज आपके सामने जो है बिल्कुल हम देखेंगे इसके अलावा जीएस टू ये भी तीन घंटे का है ठीक है इसके अलावा जो नया पेपर ऐड हुआ है आपका वो हुआ है ए सी और ये भी कितने मार्क्स का है आपका तीन सौ मार्क्स का है ठीक है इसके अलावा जो ऑप्शनल है आप सभी को पता ही है ऑप्शनल को क्या कर दिया गया है क्वालिफाइंग कर दिया गया है तो ऑप्शनल का भी पेपर आज हम देखेंगे हम लोग हिस्ट्री ऑप्शनल का पेपर आज लास्ट में देखेंगे चलिए इसके बाद आपका सबसे पहले प्री हो गया ठीक है प्री आप क्वालिफाई किए मेंस आप लिखेंगे मेंस में आपका क्या हो गया मेंस में एक जीएस वन हो गया एक जीएस टू हो गया ठीक है इसके अलावा एक ऑप्शनल हो गया आपका इसके अलावा आपका हिंदी का पेपर हो गया ये ऑप्शनल और हिंदी ये दोनों क्वालिफाइंग है इसके अलावा एक एसे का पेपर हो गया तो टोटल यहां से देखेंगे तो तीन सौ जी एस वन तीन सो जी एस टू और तीन सौ एसे यानी नौ सौ नंबर का आपका यहाँ पे ऐड किया जाता है आपके मेरिट में इसके अलावा नेक्स्ट स्टेज आपको देखने को मिलता है वो है आपका व्यक्तित्व का परीक्षण यानी इंटरव्यू व्यक्तित्व का परीक्षण आपका जो है ये एक सौ बीस अंकों का होता है तो ओवरऑल अगर देखें तो आपका मेरिट जो बनता है नौ सौ प्लस एक सौ बीस यानी टोटल एक हजार बीस मार्क्स अब एक हजार बीस में आप यदि अभी तक देखेंगे तो पाँच सौ के आसपास जो है पाँच सौ साढ़े पाँच पाँच सौ के आसपास जो है यदि आप नंबर लाते हैं तो बिल्कुल हंड्रेड परसेंट आप सिक्योर आपका रिजल्ट बनता है तो ये आपका टोटल मेरिट इतना पर बनाया जाता है तो ये तो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो गई अब प्रारंभिक परीक्षा की अगर हम लोग बात करें यहाँ पर ध्यान देंगे तो इस सिलेबस में जो है देखिए मोटा मोटा बात क्या लिखा गया बाकी हम डेप्थ एनालाइसिस किए हैं अगले एक आध पेज बाद बाद आपको मिलेगा देखने को एक सामान्य विज्ञान है ठीक है इसके बाद आपका राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की जो है समसामायिक घटनाएं यानी करंट अफेयर हो गया भारत का इतिहास हो गया बिहार का इतिहास हो गया सामान्य भूगोल की बात कर रहा है साथ साथ बिहार का भूगोल भी इसमें ऐड है ठीक है इसके अलावा बिहार का अर्थव्यवस्था हो गया भारत की अर्थव्यवस्था भारत का राज्य व्यवस्था साथ साथ इसके अलावा आपका अंक गणित तो वगैरह भी यहाँ पे देखने को मिलता है ठीक है तो मोटा मोटा देखिए तो आपका हो गया इतिहास हो गया ठीक है राज्य व्यवस्था हो गया भूगोल हो गया आपका इकोनॉमिक्स हो गया इसके अलावा करेंट अफेयर हो गया और आपका इसमें बिहार स्पेशल भी आप ऐड कर देंगे तो बिहार स्पेशल भी एक रख सकते हैं और गणित तो और आपका रीजनिंग तो ये सिलेबस होता है बाकी यहाँ पे सिलेबस आपको दिया गया है कि कैसे क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है सामान्य विज्ञान के अंतर्गत जो है दैनिक अनुभव तथा प्रेक्षण से संबंधित विषय सहित विज्ञान का सामान्य जानकारी तो विज्ञान की सामान्य जानकारी की बात कर रहा है यानी जो टेंथ क्लास तक अप्रोक्स रहता है लेकिन अभी बीपीएससी सिक्सटी में देखें तो यहाँ पे एक आध क्वेश्चन आपको इलेवन ट से भी देखने को मिले हैं ठीक है इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है हम लोग इसके लिए काम करेंगे बिल्कुल इलेवन ट में जो भी एक आध चैप्टर से क्वेश्चन बनने वाले होंगे यहाँ पे आपको करा दिया जाएगा बाकी हम लोग इसके लिए एनसीआरटी देखेंगे ही नेक्स्ट इतिहास में भी आपका वही है सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक परिप्रक्ष्य में बात करेगा सामान्य जानकारी पर विशेष ध्यान दिया जाएगा ठीक है भूगोल वैसे ही तो इतिहास हो गया भूगोल हो गया राज्य व्यवस्था हो गया बिहार को ध्यान में रखते हुए भी, भी आपको पढ़ना होगा ये सब मोटा मोटा सिलेबस है बाकी हम थोड़ी देर बाद ड्रेफ्ट में करेंगे ये हिंदी का देखें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है निबंध तीस अंक का आता है व्याकरण आपका तीस अंक का वाक्य विन्यास और संक्षेपण पंद्रह अंक का ये तो आपका क्वालिफाइंग इन नेचर है ठीक है बाकी आगे जो जीएस पेपर वन की बात करते हैं जो आपको तीन से अंकों का आता है इसमें तीन पेपर होता है टोटल आपका पहला पेपर देखें यहाँ पे भारत का जो है आधुनिक इतिहास और भारतीय संस्कृति ठीक है हिस्ट्री और कल्चर की बात कर रहा है नेक्स्ट देखें राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व का वर्तमान जो है घटना चक्र यानी करेंट अफेयर के ऊपर आपसे बात किया जा रहा है और तीसरा आपको सांख्यिकी विश्लेषण आरेखन और चित्रण यानी डी के ऊपर बात किया जा रहा है तो यहाँ पे आपको जीएस पेपर वन में तीन ही है एक आपको इतिहास हो गया उसमें भी आपका आधुनिक इतिहास तथा भारतीय संस्कृति ठीक है दूसरा हो गया आपको नेशनल और इंटरनेशनल जो भी इंपॉर्टेंस इंपॉर्टेंट जो भी घटनाक्रम होता है यानी करंट अफेयर और तीसरा है सांख्यिकी यानी डीआई जीएस पेपर यदि टू की हम बात करते हैं तो यहाँ पे पहला आपको राज्य व्यवस्था होता है फिर आपका अर्थव्यवस्था और भूगोल होता है और नेक्स्ट होता है भारत के विकास में आपका विज्ञान और प्रौद्योगिकी के भूमिका पे प्रभाव

उन्नीसवी शताब्दी के मध्य भाग से लेके देश के इतिहास के रूपरेखा के साथ गांधी रविंद्र और नेहरू के संबंधित प्रश्न भी सम्मिलित होंगे स्पेशली मेंशन किया गया है आपसे बिहार में आधुनिक इतिहास के संदर्भ में प्रश्न इस क्षेत्र में पश्चात शिक्षा जो प्रौद्योगिकी शिक्षा समेत आरंभ से विकास से पूछे जाएंगे कैसे जो है शिक्षा का विकास हुआ इसमें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बिहार की भूमिका से संबंधित भी प्रश्न होंगे इसके अलावा आपको दिया है संथाल विद्रोह बिहार में अठारह सौ सत्तावन बिरसा का आंदोलन चंपारण सत्याग्रह उन्नीस सौ बयालीस का भारत छोड़ आंदोलन से पूछा जाएगा परीक्षार्थियों से आशा की जाती है कि मौर्य काल पाल काल पाल कला हो गया पटना कलम हो गया इस सब से भी आप परिचित होंगे ये मुख्य विशेषताएं जो आपको दिया गया है हाईलाइट पॉइंट अब जरूरी नहीं है कि इतना ही अपना रेंज बाउंड करके रखेंगे अभी आप प्रश्न पत्र देखेंगे तो आपको पता चलेगा इसके अलावा आपको डीआई है ठीक है नेक्स्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित खंड जो है दो हम लोग देख रहे थे राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित प्रश्न इसमें पूछा जाएगा भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत तथा बिहार के भूगोल से संबंधित जो है योजना और भारत के भौतिक आर्थिक सामाजिक भूगोल से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा ये सब अभी हम लोग बिल्कुल डिटेल में लास्ट में जो है मेंस का पेपर देखने के साथ वहाँ पे आपको मैं बता दूंगा ये मोटा मोटा आपका सिलेबस हो गया बाकी ऐसे के लिए बात करें तो कोई सिलेबस यहाँ पे आपको पता है एसे का मैं बात करूं स्पेशली तो इसका कोई सिलेबस डिफाइन नहीं किया गया कहीं भी आप यूपीएससी में भी जाएंगे तो हाँ कोई सिलेबस इसका है नहीं देखिए अगर एसे के ऊपर मैं बात करूं तो ऐसे क्या है आपका एक व्यक्तिगत जो है विचार होता है किसी भी घटना को लेके तो यहाँ जो एसे अभी पूछा गया है आपका पेपर में अभी हम लोग देखेंगे तो इसका आपको कोई मैं आपको एकदम ट्रू एक हकीकत बात बताता हूँ कि इसका कोई आपका प्रिपरेशन करा नहीं सकता है ये आपका क्या है व्यक्तित्व का जो है विश्लेषण होता है लिखित रूप में यानी किसी मुद्दे पे आप क्या अपनी समझ रखते हैं आप देखेंगे तो अभी तो वो पारंपरिक जो ऐसे होता है कि कुछ आप ऐसे पढ़ ले ऐसा उसी में से कुछ ऐसे आ जाएगा तो ऐसा कुछ पेपर बनाया नहीं गया है चाहे यूपीएससी की बात करें या बीपीएससी की बात करें तो बिल्कुल इस मैटर के लिए जो है आपको न्यूज पेपर ऐसे के लिए ऐसे हम अलग से आपको बात करेंगे तो न्यूज पेपर इडिटोरियल ठीक है ये सब आप पढ़ सकते हैं बाकी जीएस के तथ्य भी वहाँ इस्तेमाल होते हैं इन सब तथ्यों के आधार पे आपका जो है अपना विश्लेषण किसी मुद्दे को लेकर अपना क्या जो है विचार रखते हैं यही आपका क्या होता है रिप्रेजेंटेशन होता है ऐसे में ठीक है तो ये आपका एसे हो गया बाकी जो है हिंदी का हम लोग सिलेबस देख लिए तो ये अपना सिलेबस का बात हो गया ठीक है चलिए बाकी मार्क्स के ऊपर के ऊपर अभी हम लोग बात कर लेंगे बाकी डेट को लेके आप कंफर्म रहे यहाँ पे डेट जो है दिखा दिया गया था एग्जामिनेशन कैलेंडर अभी वेबसाइट पे अपलोड है आपका बी पी सिक्सटी नाइन को लेकर बात करें वैकेंसी के बारे में अभी कुछ बताया नहीं गया है जल्द ही बता दिया गया है ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि बार पिछले रिस्पेक्ट में ज़्यादा वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा प्रलिम्स जो है एग्जाम की बात करें तो यहाँ पे तीस नौ दो हजार तेईस यदि आज से बात करें तो प्रक्ष आपका एक सौ तैंतीस दिन ठीक है तो आज से हम लोग दो या तीन दिन बाद जस्ट हम लोग बी पी एस सी सिक्सटी नाइन के लिए स्टार्ट करेंगे ठीक है जब आपका एक सौ तीस दिन लगभग बचेगा तो मोटा मोटा मान के चले कि एक सौ तीस दिन एग्जाम में आपका बचा हुआ है इसके बाद रिजल्ट का डेट आपका ये देख लें तो ये आपका पंद्रह ग्यारह दो हजार तेईस है मेन्स एग्जाम का डेट देखें यहाँ पे नौ बारह से लेके आपका सोलह बारह के बीच में है यानी मेन्स आपका दिसंबर में प्री आपका सितंबर में ये क्लियर है बाकी यहाँ पे रिजल्ट के बारे में आपका टू बी डिसाइडेड है तो मेन्स का रिजल्ट जो है बाकी आप उम्मीद करें कि जो भी डेट दिया गया लगभग इसी डेट पर एग्जाम होगा चूंकि अभी से जब जब से आपके नए चेयरमैन साहब आए हैं तो जो भी डेट लगभग रखते हैं उसके आसपास एग्जाम हो ही जाता है तो तीस नौ एग्जाम का डेट है ठीक है प्री का मेंस का जो है नौ बारह से लेकर सोलह बारह दो हजार तेईस तक ठीक है आपका एग्जाम में बचा कितना टाइम एक सौ तीस दिन है प्रक्स, अभी से लेकर एग्जैक्ट एक सौ तैंतीस दिन अब इसमें यदि एक सौ तीस दिन का यूटिलाइजेशन आप अच्छे से नहीं करते हैं तो आपका जो है असफल होने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा रहता है चूंकि ये टाइम बहुत अधिक नहीं है किसी को लग रहा होगा कि काफ़ी अधिक टाइम है अब बी जो है पहले वाला बिल्कुल नहीं रहा जैसे बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं ठीक है तो चेंजेज यहाँ पर देखने को मिला है तो जैसे जिस रिस्पेक्ट में चेंज हुआ है तो हमें अपने आप में भी बदलाव करना होगा अपने स्ट्रेटजी में बदलाव करना होगा चलिए तो हम लोग दो मीटर पे बात कर लिए हम लोग सिलेबस देख लिए और एग्जामिनेशन डेट के बारे में बात देख लिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं प्री का एनालिसिस करते हैं हम लोग ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक एनालिसिस इससे आपको पता चलेगा कि आखिर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन कहाँ से बन रहा है कहाँ कहाँ हमको फोकस करना चाहिए ठीक है तो यहाँ पे देखिए ध्यान देंगे तो आपका सब्जेक्ट दिख रहा है ये बीपीएसटी एट हो गया सिक्सटी सेवन सिक्सटी सिक्स फाइव सिक्सटी फोर ऐसे आप तीन चार साल प्रीवियस जो है तीन चार साल का यदि पेपर देख लें तो आपको क्लियरेंस हो जाएगा देखिए यहाँ पे पहला देखते हैं तो यहाँ पर लिखा है बिहार और भारत का इतिहास अब भारत का इतिहास और साथ साथ आपको बिहार का इतिहास भी जानना होता है इतिहास में इसमें देखेंगे 68 में आपको 30 क्वेश्चन देखने को मिले थे अब यहाँ पे आठ ही क्या है तो आठ जो है बिहार स्पेशल है आपका इस 30 क्वेश्चन में 22 क्वेश्चन आपको जनरल क्वेश्चन हो गया और आठ क्वेश्चन आपका बिहार स्पेशल हो गया 67 में देखेंगे यहाँ भी 30 क्वेश्चन है 66 में 35 है 35 है 64 में तो आपका 40 क्वेश्चन है यहां पे नेक्स्ट यदि देखेंगे आप तो यहाँ से एक तो क्लियर हो गया आपका जो पुराने लोग होंगे उनको ये बात पता होगा नए लोग को ये बात क्लियर हो गया होगा कि आपका इतिहास से जो तीस प्रश्न जो है आएंगे ही दूसरा देखिए सामान्य विज्ञान यहाँ से भी तीस प्रश्न जो है पिछले जो है तीन चार सालों में देखें यहाँ पे तो कंटिन्यू तीस प्रश्न यहाँ पे बन ही रहे हैं ठीक है बाकी हम लोग इसका अभी माइक्रो एनालिस भी करेंगे कि आखिर ये तीस प्रश्न कहाँ कहाँ से बन रहे हैं नेक्स्ट देखिए करेंट अफेयर करंट में देखेंगे तो 35 क्वेश्चन लगभग बना था और 30 से 35 क्वेश्चन को मिलते हैं एक तो आपको विश्व का भूगोल भी पूछा जाता है भारत का भी और साथ साथ बिहार का भूगोल भी यदि भूगोल की बात करेंगे तो लगभग जो है प्रक्ष उन्नीस प्रश्न बने थे जिसमें सात जो है लगभग आपको बिहार स्पेशल से थे तो लगभग जो है बीस के करीब ये भी आपको बिहार भारत और विश्व का भूगोल ऐड कर दें तो बीस प्रश्न यहाँ से भी बनता है और इस बार जो है क्वेश्चन जो बनाया गया था बहुत सारे आपके एनसीआर से डायरेक्ट देखने को मिला था आगे देखते हैं बिहार भारत और विश्व का अर्थव्यवस्था तो यहाँ भी देखेंगे तो बारह से पंद्रह का ट्रेंड जो है यहाँ भी बना हुआ है पिछला तीन चार सालों में देखें पहले एक आध साल जो है अट्ठारह तक क्वेश्चन पूछा गया है बाकी यहाँ बारह से पंद्रह ट्रेंड बना हुआ है उसमें भी कुछ बिहार स्पेशल आपसे पूछा जाता है नेक्स्ट देखें बिहार और भारत के राज्य व्यवस्था तो यहाँ भी मान के चले तो दस से पंद्रह क्वेश्चन जो है आपको बनता है तो यहाँ आपकी बार जो है तेरह क्वेश्चन देखने को मिला है जिसमें चार आपको बिहार स्पेशल पिछले साल पंद्रह क्वेश्चन देखने को मिला था नेक्स्ट देखें आधारभूत गणित और तर्क शक्ति यानी रीजनिंग से भी आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है गणित के अलावा ठीक है इस बार भी पूछा गया था ये फिक्स है यहाँ से दस क्वेश्चन हर एक साल जो है पूछे जाते हैं मोटा मोटा यहाँ पे मिला जुला के देखें आप तो इतिहास विज्ञान और समसामायिक यही तीनों आप मिला देंगे तो लगभग यहाँ से नब्बे प्रश्न मिनिमम आपको बनेंगे इस तीन सब्जेक्ट से नब्बे प्रश्न बनेंगे इसके अलावा यदि आप इसमें गणित भी ऐड कर दें तो ये सौ प्रश्न यहीं से बन जाएंगे आपको बाकी यहाँ पे देखेंगे तो आपका भूगोल राज्य व्यवस्था और अर्थव्यवस्था इन सब से जो है आपको लगभग जो है पचास प्रश्न यहाँ से देखने को आपको मिलेंगे ठीक है तो यहां से आप मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देख लिए अब आप जो है क्या कर सकते हैं ठीक है जैसे ही हम बैच स्टार्ट करेंगे आपको स्ट्रेटजी डिस्कस कर देंगे ठीक है कैसे अप्रोच अपनाना है यहाँ पे तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे जो है दो सेक्शन में आप इसको बांट सकते हैं दो मॉडल में बांट के अपने प्रिपरेशन को कर सकते हैं जैसे आप इसको जो है मॉड्यूल वन बना सकते हैं एक और मॉड्यूल वन में जो है इस सब्जेक्ट को रख सकते हैं ठीक है फिर मॉड्यूल टू में इन सब्जेक्टों को रख सकते हैं और ऐसे करके अपने प्रिपरेशन को आप आगे बढ़ा सकते हैं क्योंकि यहाँ से आपको पता है सौ क्वेश्चन फिक्स आने ही हैं ठीक है चलिए आगे देखते हैं हम लोग अब एक एक सब्जेक्ट के ऊपर बात कर लेते हैं थोड़ा सा बिहार और भारत की इतिहास के इतिहास की अगर बात करेंगे तो देखें यहाँ पे प्राचीन भारतीय इतिहास होता है मध्यकालीन और आधुनिक भारत का इतिहास इसमें अगर देखेंगे सिक्सटी एट में देखें तो प्राचीन भारत से चार क्वेश्चन मध्यकालीन से भी चार क्वेश्चन और आधुनिक से बाईस क्वेश्चन इसमें यदि आप ध्यान देंगे सिक्सटी सेवन में तो लगभग यही जो है ट्रेंड फॉलो कर रहा था सिक्सटी सिक्स में भी लगभग लगभग यही है ओवरऑल यहाँ पे देखें तो आप देखें तो आधुनिक इतिहास जो है आपके लिए मस्ट इम्पॉर्टेंट है तीनों में बात करें तो बाकी जो है अब ये भी आप छोड़ नहीं सकते हैं यहाँ से भी आठ क्वेश्चन देखने को आपको मिल ही रहे हैं ठीक है बाकी इसमें अगर बिहार स्पेशल ऐड कर देंगे तो ये अधिक हो जाएगा आपका अब जैसे आज तक का ट्रेंड दिखा रहा है कि आधुनिक भारत से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो ये जरूरी नहीं है कि आपको मध्यकालीन और प्राचीन भारत के इतिहास से क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे हो सकता है चेंजेस देखने को आपको सिक्सटी में सिक्सटी में मिल जाए इसलिए ये एक प्रडिक्शन है एक अनुमान है बाकी क्वेश्चन ऐसे ही बनता है लेकिन आपको मध्यकालीन और प्राचीन भारत का इतिहास भी स्केप नहीं करना चाहिए इसको भी पढ़ना चाहिए तो अभी हम लोग देख लेते हैं इसका इंपॉर्टेंट जो है चैप्टर कौन कौन है जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं बाकी आधुनिक जो है इतिहास ये बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है बाकी देखिए आधुनिक भारत के इतिहास में अगर देखेंगे तो ये कुछ ट्रेंड एनालिसिस है आपका यहाँ पर ध्यान देंगे तो ये भारत में जो यूरोपीय व्यापारी कंपनी का आगमन हो गया चाहे ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियाँ हो गई जनजातीय आंदोलन हो गया आपको अठारह सौ संतावन संतावन का आंदोलन हो गया सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन क्रांतिकारी गतिविधियाँ इसके अलावा आपका गवर्नर जनरल कांग्रेस का अधिवेशन पत्र पत्रिकाएं या विभिन्न जो है संस्था और संगठन ये कुछ आपको महत्वपूर्ण टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं तो पी वगैरह के लिए जो है आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे पी डी हाँ पे आपको शेयर कर दिया जाएगा ठीक है तो ये सारा कुछ जो है आपको शेयर कर दिया जाएगा यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है बाकी आप देख सकते हैं ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है नेक्स्ट देखें आप नेक्स्ट देखते हैं प्राचीन भारत के इतिहास में देखें तो सिंधु घाटी की सभ्यता है वैदिक काल है महाजनपद काल है बौद्ध धर्म जैद धर्म है मौर्य काल है गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल यहाँ से क्वेश्चन आपको अक्सर देखने को मिलते हैं ठीक है इस बार भी यहां से क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं नेक्स्ट देखिए आपको मध्यकालीन भारत के इतिहास की बात करें तो दिल्ली सल्तनत हो गया यहाँ पे आपका इसके अलावा गुलाम वंश इसमें आ गया खिलजी वंश तुगलक वंश सैयद वंश लोधी वंश ये सब दिल्ली सल्तनत वाला और यहाँ से आपको जनरली क्वेश्चन देखने को मिलते हैं इसके अलावा आपका मुगल काल हो गया दक्षिण भारत का इतिहास मध्यकालीन ले कुछ लेखक और उनकी रचनाएं और भक्ति आंदोलन ये जो टॉपिक अभी आपको हम यहाँ पे दिखा रहे हैं ये मस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इन सब्जेक्ट में बाकी मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि केवल आपको यही टॉपिक पढ़ के जाना है ये एक ट्रेंड एनालिसिस है जिसमें देखा गया है कि यहाँ से क्वेश्चन तो बनाए ही जाते हैं तो इसको तो बिल्कुल अच्छे से जो है प्रिपेयर कर लेना है चलिए आगे देखते हैं और हम बुक की बात कर लेते हैं आखिर इसके लिए हम लोग बुक कौन कौन सा देख सकते हैं अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको दिख रहा होगा एनसीआरटी ठीक है इसमें आपको ये प्राचीन भारत का इतिहास है आर एस शर्मा ठीक है इसके बाद ये मिडाइवल है और ये आपका आधुनिक हो गया ये तीनों जो है आपको अभी जो इमेज दिख रहा है ये आपका ओल्ड एनसीआरटी है ठीक है ओल्ड एन है ये तो अभी से एग्जाम में आपके यदि प्री एग्जाम में ही बात करें तो 130 दिन से से अप्रोक्स बात कर रहा हूं ऐसे एग्जैक्ट तो आपको पता ही है तो आपको ऐसे में क्या करना चाहिए आप अभी क्वेश्चन का लेवल देख ही रहे हैं कि क्वेश्चन का लेवल जो है कैसे बदल रहा है लेवल बदलने का मतलब यह है कि क्वेश्चन का जो है पैटर्न पूछने का तरीका बदल रहा है देखिए इतिहास तो कभी इतिहास ही रहेगा चाहे प्राचीन भारत का इतिहास कभी प्राचीन भारत का इतिहास ही रहेगा केवल क्वेश्चन पूछने का जो है तरीका चेंज हो जाता है और ये क्वेश्चन पूछने का जो तरीका चेंज हुआ है तो और कुछ इसमें अगर चेंजेस देखने को मिले तो इसलिए क्या होना चाहिए हमें सतर्क और सावधान हो जाना चाहिए और मेंस का भी प्रिपरेशन अभी आप देखेंगे जब हम क्वेश्चन देखेंगे ये सब बुक जो है आपके प्रिपरेशन में जो है काफी महत्वपूर्ण जो है भूमिका निभाएगी और ये तीन बुक यदि आप अच्छे से पढ़ लेते हैं ये आर एस शर्मा का ये ओल्ड एनसीआर टी का मैं बात कर रहा हूँ ठीक है ये बहुत ही सुंदर पुस्तक है और बिल्कुल सीक्वेंस में लिखा हुआ पुस्तक है ठीक है तो ये तीन बुक आप ओल्ड एनसीआरटी के लिए पढ़ लें और यहाँ पे आपको पढ़ाया जाएगा तो अब बहुत सारे लोगों का होता है कि ये बुक इतना मोटा मोटा बुक हम लोग कैसे पढ़ेंगे तो बिल्कुल आपको यहाँ पे गाइड किया जाएगा पढ़ाया जाएगा आपको भी कुछ टास्क दिया जाएगा आप हमारे साथ पैरल कंप्लीट करेंगे सारा बुक हम लोग कंप्लीट करेंगे ठीक है इसके अलावा आधुनिक भारत से चूंकि अधिक क्वेश्चन पूछा जा रहा है और मेन्स में भी आप देखे थे कि आधुनिक भारत का इंपॉर्टेंस कुछ अलग ही है तो आप जो है स्पेक्ट्रम ये भी काफी सिक्वेंस में लिखा गया है इसको भी हम लोग पढ़ सकते हैं ठीक है तो बस इतना चार बुक आप हिस्ट्री के लिए पढ़ ले बाकी कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है देखिए आप ना जो है सोर्सेज लिमिट कीजिए और उसी को रिपीट कीजिए बार बार ठीक है आप यदि सोर्सेज लिमिट करेंगे तभी आप रिपीट कर सकते हैं यदि सोर्सेज बहुत सारा रखेंगे यदि बहुत ज्यादा फैलेंगे तो आप रिपीट नहीं कर पाएंगे ठीक है तो कुछ बुकों को जो है मैक्सिमम बार पढ़ने से जो है बहुत ही अच्छा जो आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा यदि आप मान लीजिए मैं बता दूं चार पांच बुक इसके लिए पढ़ ले चार पांच बुक इसके लिए पढ़ ले रिपीट किसी को नहीं करें आप एग्जाम में किसी को ले नहीं जा पाएंगे किसी तथ्य को नहीं ले के जा पाएंगे तो इसलिए मैं बताया कि बुक का सिलेक्शन काफी इंपॉर्टेंट है तो इतना कर ले आफ्टर एग्जाम हम लोग एनालिसिस करेंगे आप देखेंगे सारा कुछ यहीं से कवर हो जाएगा चाहे प्री है चाहे मेंस है बाकी प्रैक्टिस के लिए जो है आपको बुक चाहिए तो प्रैक्टिस के लिए एक बुक ले लेंगे मैक्सिमम लोगों के पास होगा ही ये आपको घटना चक्र का जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये 2022 आपको दिख रहा है 2023 वाला अपडेटेड आप बुक ले लेंगे यहाँ से जो है टॉपिक वाइज आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं बाकी हम जो भी सोर्स आपको बताएंगे क्लास में आप वहां से आप प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट देखें बात कर लेते हैं साइंस की साइंस में देखेंगे तो मैं बहुत सारे लोगों का जो है कुछ फीडबैक पहले देख रहा था वीडियो इन प्रीवियस टाइम में मैं कुछ लोगों का देखा था तो वहां पे देख रहा था बहुत अच्छे अच्छे लोग जो अपने आपको बुद्धिजीवी बताते हैं गलत आपको गाइड करके चले जाते हैं वो क्या बताते हैं जीव विज्ञान कर लो बायोलॉजी कर लो आपका जो है साइंस में काम हो जाएगा बाकी भौतिकी जो है और रसायन थोड़ा मोड़ा देख लो काम हो जाएगा अब यहाँ पे आप प्रत्यक्ष किम पर बोला जाता है यहाँ पे देखिए आप सिक्सटी सिक्सटी सिक्स से ही देखिए तक यहां पे आप क्या देख पा रहे हैं इसलिए एनालिसिस बहुत ज्यादा जरूरी है ठीक है यहाँ पे कंटिन्यू आपसे दस क्वेश्चन मिनिमम पूछा ही जा रहा है चाहे वो विज्ञान हो भौतिकी हो रसायन हो यदि कंटिन्यू तीनों से दस दस क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो हम क्यों केवल जीव विज्ञान पढ़ के चले जाएंगे और भौतिकी का क्वेश्चन हमसे सॉल्व हो जाएगा तो बिल्कुल आपको बरगलाया जाता है आपको जो है ये पहले ऐसा कभी देखा गया कि मान लीजिए बायोलॉजी से एक आध समय जो है ज्यादा क्वेश्चन पूछ दिया गया इसी आधार पर जो है एनालिसिस आज तक आपको करके बताया जा रहा है ठीक है बिल्कुल ये गलत एनालिसिस है आप खुद देख सकते हैं इस बार का भी आपके पास पेपर होगा देखिए दस क्वेश्चन बायो से दस क्वेश्चन भौतिकी से और दस क्वेश्चन रसायन से पिछली बार भी सेम यही स्थिति थी उससे पिछला देखे तो बारह दस और आठ का रेशियो है ठीक है तो अब तीनों विषय का जो है इक्वल वेटेज आपको देना पड़ेगा ठीक है हम लोग इक्वल वेटेज देंगे ठीक है चलिए भौतिकी में देखेंगे तो इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए बता देते हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है मात्रक और बीमा है यूनिट डायमेंशन है ये गति है आपको ठीक है इसके बाद ध्वनि है गति में ही इसमें आपको ऐड कर सकते हैं आप मैकेनिक्स पार्ट जैसे घर्षण वगैरह सभी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है साउंड हो गया ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है उषमा उषमा गति की यहाँ से भी क्वेश्चन करने पूछे गए हैं प्रकाश लाइट चैप्टर ये इंपॉर्टेंट हो गया यहाँ से कंटिन्यू क्वेश्चन पूछे गए और ये आपका विद्युत हो गया विद्युत और चुंबकत्व यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं तो ये मोटा मोटा आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया आगे देखते हैं अगर बात करते हैं केमिस्ट्री रसायन शास्त्र का तो भी देखिए परमाणु संरचना है पदार्थ की अवस्थाएं हैं कार्बन और उसके अपरूप है धातु अधातु है विलियन है आपका अम्ल छवन है पर्यावरण प्रदूषण है रासायनिक यौगिक और उनका उपयोग ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से क्वेश्चन अक्सर पूछे ही जाते हैं यहाँ पे क्लियरली आपको दिख रहा होगा ठीक है और इस बार भी पूछे ही गए हैं तो जब भी हम लोग पढ़ेंगे तो इस इसपे क्या करेंगे इस इसपे हम लोग अधिक फोकस करेंगे कि यहां से अगर प्रश्न आते हैं तो आपका गलत बिल्कुल नहीं होना चाहिए चलिए आगे देखते हैं अगला आपका आपका जीव विज्ञान इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें तो कोशिका हो गया जंतु और पादप का वर्गीकरण हो गया और इस बार तो पौधे से कुछ ज्यादा ही क्वेश्चन पूछ दिया गया पाचन तंत्र हो गया आपका रक्त परिसंचरण तंत्र हो गया तंत्रिका तंत्र अनुवांशिकी और जव विकास हो गया पोषण स्वास्थ्य हो गया हार्मोन एंजाइम और पादप जो है काय ये सब जो है जीव विज्ञान में इंपॉर्टेंट है जहां से आपको प्रश्न बनते ही हैं आगे देखिए बुक की बात कर लेते हैं हम लोग इसमें तो देखिए बुक में जो है आपको क्लियर कर दूं कि अब देखिए दो तरह के इसमें स्टूडेंट होंगे एक तो जिनका साइंस बैकग्राउंड रहा होगा दूसरा जिनका नहीं रहा होगा अब यदि बिहार के शिक्षा की स्थिति की बात करें हम ज्यादा टिप्पणी इस पर नहीं करेंगे आपको सारा कुछ पता है तो यहाँ पे बेसिक एजुकेशन की क्या स्थिति है ऐसे में चाहे साइंस बैकग्राउंड से आप हैं या नहीं है स्थिति जो है साइंस का उतना अच्छा है नहीं तो ऐसे में हम लोग को क्या करना चाहिए तो टू टू जो जो है तेन्त। तेन्त जो है टी पूरा पढ़ जाना है अगर एनसीआर आप पढ़ना नहीं चाहते हैं तो आप जो है बिहार में जो आपको भारतीय भवन पब्लिकेशन का बुक चलता है वो भी आप पढ़ सकते हैं क्योंकि यहाँ पे बेसिक नॉलेज की बात किया जा रहा है इसके अलावा कुछ चैप्टर आपको इलेवेंथ और ट्वेल्थ से भी देखना होगा तो मैं आपको चैप्टर जो है जब पढ़ाऊंगा ये साइंस तो आपको उस समय बता दूंगा कुछ चैप्टर इलेवें से भी करने होंगे क्योंकि वहां से क्वेश्चन कुछ देखने को आपको प्रश्न पत्र में मिले हैं काफी बारीक ऑब्जर्वेशन किया गया है माइक्रो एनालिसिस किया गया है उसके बाद आपको बताया जा रहा है एक तो एनसीईआरटी की बात हो गई ठीक है सिक्स टू टेन तो पढ़ना ही है और ये हम लोग कैसे पढ़ेंगे ठीक है अभी एक दो दिन बाद जस्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे आप देखेंगे बिल्कुल अच्छे सिक्वेंस में हम लोग इसके ऊपर काम करेंगे अब देखिए यहां पे एक दिख रहा है आपको सामान्य विज्ञान लूसेंट का ठीक है इससे आप रिविजन कर सकते हैं ठीक है इसके अलावा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे आपको दो बुक दिख रहा है आपको एक तो घटना चक्र का बुक दिख रहा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और दूसरा दिख रहा है आपका रेलवे सामान्य विज्ञान अब ये भी जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है तो यहां से जो है आप चाहें तो प्रैक्टिस कर सकते हैं दोनों जो है प्रैक्टिस के लिए अच्छा बुक है ठीक है तो ये हो गया साइंस का बात चलिए आगे बढ़ते हैं करंट अफेयर की बात करते हैं तीसरा तो तीस इसमें देखें करंट अफेयर में इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका खेल हो गया अर्थव्यवस्था हो गया रण राजनीति हो गया आपका पुरस्कार और चर्चित व्यक्तित्व हो गया महत्वपूर्ण तिथि हो गया पर्यावरण हो गया विज्ञान और तकनीक हो गया रक्षा हो गया सूचकांक रिपोर्ट हो गया किताब और लेखक हो गया और बिहार विशेष तो ये सब करेंट अफेयर आपका ये महत्वपूर्ण टॉपिक है ठीक है बाकी करंट अफेयर के लिए अगर बुक की बात करेंगे तो अभी जो है देखिए जनरली एक से डेढ़ साल का आपका करंट अफेयर आपसे पूछा जाता है एग्जाम में तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए अभी से तो एक आप क्या करें मासिक मंथली मैगजीन कोई भी एक पढ़ लें जैसे प्रतियोगिता दर्पण है या दृष्टि की मैगजीन आती है मंथली मैगजीन ठीक है या विजन की मैगजीन आती है कोई भी एक जो है तीनों में से या इसके अलावा कोई और भी बहुत सारी मैगजीन है लगभग सबका स्थिति सेम ही है आप कोई एक पढ़ सकते हैं अभी से लेकिन अभी तक के लिए क्या करें ठीक है चूंकि एक से डेढ़ साल का बात है तो एक घटना चक्र का आपका वार्षिकी मार्केट में आया हुआ है वो ले लेंगे बुक ठीक है और उसके अलावा एक आर्थिकी का बुक है इकोनॉमिक्स का जिसमें आपका बजट वगैरह सारा कुछ दिया गया है और साथ साथ बिहार का बजट ठीक है ये सब अगर देख लेंगे तो करंट अफेयर अपना कंप्लीट हो जाएगा तो अभी तक जो करंट अफेयर बीत चुका है वहां से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा इसके लिए एक कोई भी की मैगजीन अभी पढ़ लें ठीक है बाकी यहाँ पे सबके लिए गाइडेंस किया जाएगा पढ़ाया जाएगा आपको यदि कोई चीज यहाँ पे अगर डायरेक्टली नहीं पढ़ाया जा रहा है तो आपको बता दिया जाएगा आप पेज नंबर इतना जाके और इस टॉपिक को जो है पढ़ लें तो मैं इनिशियल में ही बात किया हूं कि बिल्कुल संपूर्ण जो है पूर्ण आपको प्रिपरेशन कराया जाएगा ठीक है चलिए करंट अफेयर के ऊपर बात होगी आगे देखें राज्य व्यवस्था की बात कर लेते हैं तो जैसे हम लोग देखे थे कि 10 से 15 क्वेश्चन यहाँ से बनता है इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें पंचायती राज हो गया संघवाद हो गया न्याय तंत्र हो गया संवैधानिक निकाय हो गया वरीयता क्रम राज्यों का पुनर्गठन राजनीतिक वर्तमान हो गया अनुच्छेद से प्रश्न देखने को मिलते हैं राष्ट्रपति हो गया संसद हो गया पंचायती राज हो गया ये सब जो है आपका टॉपिक है आगे देखिए इसमें बुक की बात करें तो बुक तो आपको एन सी आर टी अवेलेबल है और एक बुक जो है बहुत ही अच्छा बुक एम लक्ष्मीकांत का बहुत लोगों के पास होगा तो इसको जो है आप पढ़ सकते हैं और अभी से आपके पास टाइम भी है और पढ़ भी लेना चाहिए क्योंकि मेंस में भी जो है आपके बुक बहुत काम आने वाला है क्योंकि आपको पता है मेंस के भी जीएस पेपर टू में जो है ये आपको पेपर वन में खंड वन में देखने को मिलता है ये बुक तो एटलीस्ट आपको पढ़ ही लेना चाहिए बाकी कोई बुक पढ़ने की जो है ज़रूरत नहीं है इसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा ये डिफेक्ट इसके अलावा होगा देखिए सुभाष कश्यप का भी एक बुक आता है ठीक है तो भी चाहे तो आप देख सकते हैं बाकी एक बुक आपके लिए सफिशियंट होगा इस एग्जाम के लिए कुछ कोई भी एक्स्ट्रा फैक्ट होगा तो आपको वो करवा दिया जाएगा प्रैक्टिस के लिए यहाँ भी अगर प्री पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आप भारतीय जो है राज्य व्यवस्था और शासन का जो है बुक यहाँ पे टॉपिक वाइज दिया है प्रैक्टिस कर सकते हैं नेक्स्ट देखते हैं इकोनॉमिक्स की बात करते हैं ये आपका इकोनॉमिक्स में दो भागों में आपका बांटा गया है एक भारत का है इकोनॉमिक्स भारत का अर्थव्यवस्था इसमें कृषि हो गया योजना हो गया विकास दर जीडीपी वगैरह हो गया बाहरी क्षेत्र विदेशी मुद्रा हो गया बैंकिंग हो गया जनगणना हो गया आपका अब दो हज़ार ग्यारह ही अपने पास अवेलेबल है तब यही हम लोग पढ़ेंगे राजकोषीय नीति हो गया आधारभूत संरचना हो गया रिपोर्ट सूचकांक और विविध तो ये सब जो है इकोनॉमिक्स का टॉपिक है जहां से क्वेश्चन बनाया ही जाता है इसके अलावा बजट इसमें ऐड कर लें बिहार के इकोनॉमिक्स की बात करेंगे तो योजना और कार्यक्रम से क्वेश्चन जो है बिहार से पूछा जाता है कृषि से राजकोषीय नीति ठीक है इसके अलावा जनगणना बिहार का जीडीपी वगैरह आधारभूत संरचना और कुछ मिसलेनियस ये बिहार का हो गया इसके ऊपर बुक के ओर पर बात करते हैं तो मार्केट में तो आपका बुक है रमेश सिंह भी है नितिन सिंह हानिया है तो आप बुक चाहे तो ले सकते हैं इसमें आपको सिलेक्टेड चैप्टर पढ़ना है ठीक है आपको मेंशन मैं कर दूंगा ठीक है सारा चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है काफी मोटा बुक है ये ठीक है इसके अलावा आपको यहाँ पे जो है जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो तो हम इकोनॉमिक्स के लिए आपको कराएंगे ही ठीक है तो पैरल ही में आपको बुक भी पढ़ने के लिए बताएंगे वो बुक भी आप पढ़ लीजिएगा नहीं तो जो भी पॉसिबल होगा हम आपको पढ़ाएंगे प्रैक्टिस के लिए यहाँ भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए घटना चक्र का पुस्तक ले सकते हैं क्योंकि देखिए ये क्या है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है ये ऑलरेडी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है इसमें भी सिलेक्टेड चैप्टर का करना है सारा चैप्टर करने की जरूरत नहीं है चलिए आगे देखते हैं अगला ज्योग्राफी जहां से बीस प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं यहाँ अक्सर जिसमें लगभग बिहार स्पेशल से चार पांच प्रश्न होते हैं इसमें देखें विश्व का भूगोल और यहाँ से कंटिन्यू लगभग चार पांच क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाता है और इस बार भी पूछा गया था ठीक है तो विश्व का भूगोल हो गया फिर उसके बाद राजनीति भूगोल हो गया जनसंख्या हो गया नदी हो गया आपका पर्वत श्रृंखला हो गया कृषि आधारित मिट्टी हो गया वन और पर्यावरण हो गया बंदरगाह और गलियारे वगैरह इसके बाद आपका नेक्स्ट हो गया ऊर्जा खनिज और मिसलेनियस ठीक है इसमें भी बिहार में बात करूं तो ये खनिज वाला जो है टॉपिक इंपॉर्टेंट है यहाँ से कंटिन्यू क्वेश्चन देखने को मिलते हैं नेक्स्ट देखते हैं बिहार के भूगोल की बात करते हैं तो बिहार का जो भौतिक और राजनीतिक हो गया बिहार की नदियां बिहार की मिट्टी बिहार में वन कैसे हैं जिला कौन से जिले में कितना वन है वो सब चार सारा चीज़ खनिज और जिला कृषि जनजाति और जनगणना ये सब आपको बिहार में देखना होगा ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको दिख रहे हैं जहां से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं अब बात कर लेते हैं बुक वगैरह की बुक वगैरह की अगर बात करें तो यहाँ पे ध्यान देंगे आप तो आपको एनसीआर दिख रहा होगा ठीक है ये इलेवंथ का आपको एनसीआर दिख रहा है फिजिकल ज्योग्राफिक एनसीआर टी यहाँ पे आपको दिख रहा है बाकी देखिए एनसीआर तो आपको सिक्स टू जो है ट्वेल्थ तक ठीक है पढ़ना है बाकी यहाँ इलेवेंथ का आपको शो किया गया है ठीक है देखिए यहाँ पे दो केस है यदि आपको इलेवेंथ का एन डायरेक्टली समझ आ जा रहा है कोई जरूरत नहीं है सिक्स टू टेंथ पढ़ने की ठीक है क्योंकि सारी कहानी जो है सिक्स में क्या होगा छोटा छोटा बात ही कुछ बताया जाएगा सेवन में और और सारे सारे का कलेक्शन आपको इलेवेंथ वगैरह ट्वेल्थ में देखने को मिलेगा ठीक है तो बाकी इसके लिए हम चैप्टर वगैरह बता देंगे ठीक है बाकी यदि आपको समझ में आता है सो सेल्फ से आप पढ़ना चाहते हैं अगर इलेवेंथ ट्वेल्थ आपको समझ में आता है तो बाकी एन पढ़ने की जरूरत नहीं है प्रैक्टिस के लिए यहाँ भी आप घटना चक्र प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्री के लिए देख सकते हैं बाकी कुछ भी एक्स्ट्रा यदि पॉइंट होगा तो मैं मेंशन कर दूंगा बाकी एक बात मैं आपको बता दूं कि ये दी आप कर लिए एनसीईआरटी तो इससे बाहर कुछ क्वेश्चन बनेगा नहीं अभी भी बीपीएससी में यहीं से क्वेश्चन देखने को मिला था नेक्स्ट लास्ट बात कर लेते हैं आपको आधारभूत गणित और तरशती यहाँ पे बीज गणित है संख्यापत्ति है प्रतिशत है ठीक है इसके अलावा समय काम है औसत है लाभ हानि है साधारण चक्रविधि ब्याज अनुपात है पृथ्वीकरण और मिश्रण है मिक्सचर एलिगेशन और आपका घड़ी कैलेंडर है ये आपका ज्योमेट्री वगैरह है तो यहाँ से जो है आपको मैथ में क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैथ के लिए भी है स्पेशल मैं आपको क्लास करा दूंगा तो इसके लिए परेशान नहीं होना है यहाँ पे दस बटा दस आप, आप मार्क्स ला सकते हैं ठीक है ये बहुत लोग के लिए प्रॉब्लम होता है तो इस तरह से हम लोग टॉपिक वाइज जो है सब्जेक्ट वाइज कहाँ से कितने क्वेश्चन बनते हैं हम लोग सारा कुछ एनालिसिस कर लिए तो अभी तक हम लोग क्या क्या देखें देखिए तो अभी सबसे पहले हम लोग सिलेबस देख लिए बीपीएससी का जो एग्जाम डेट के बारे में बात कर लिए हम लोग सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस कर लिए ठीक है बुक वगैरह के बारे में भी हम लोग देख लिए अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बीपीएससी पेपर एनालिसिस ठीक है अब देखिए यहाँ पे तो प्री पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर ली है आप प्री क्वालिफाई कर लिए मान लीजिए ठीक है और अभी से ही अब बहुत सारे लोग क्या है यहां पे गलत अप्रोच अपनाएंगे अच्छा मैथ के लिए अगर बुक आप लेना चाहते हैं तो आर एस अग्रवाल का आप बुक ले सकते हैं अब देखिए यहाँ पे गलत अप्रोच होता क्या है अभी से बच्चे क्या करेंगे अब सिक्सटी आपका नाइन्थ का एग्जाम जो है डेट आपको क्लियर हो गया है कितना है तीस सितम्बर है गलती आप क्या करेंगे अब यहाँ से आप प्री का प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे और मैक्सिमम लोग इसी का प्रिपरेशन अभी करवा भी रहे हैं कहीं भी कोचिंग संस्थान वगैरह में जाएंगे प्री का प्रिपरेशन करते करते जाएंगे अभी एक दो महीने बाद तो अभी जैसे ही पचास साठ दिन बीतेगा अब पचास साठ दिन ही एग्जाम में बचेगा ठीक है अब उस समय भी आप प्री ही प्रिपरेशन कर रहे हैं अब वैसे में आप देखें आपका एग्जाम जो है दिसंबर में है तो अभी आप पेपर देखेंगे और पेपर देखने के बाद खुद आप आत्म जो है सेल्फ रियलाइजेशन जिसको बोलते हैं आत्मचिंतन करेंगे आप और खुद आप बताएंगे कि ये तीस सितम्बर से, से दिसंबर में क्या प्रिपरेशन कर लेंगे क्या मेन्स का यहाँ पे अक्टूबर नवंबर दिसंबर दो महीने में दो से अढ़ाई महीने तीन महीने में आपका प्रिपरेशन हो जाएगा जी बिल्कुल नहीं होगा ठीक है वो पहले वाला जो बात था कि दो तीन महीने में कुछ क्वेश्चन रटे और जाके लिख के आ गए अभी आप पेपर देखेंगे आपको खुद पता चलेगा ये प्रिपरेशन आप नहीं कर सकते हैं तीस सितंबर मंथ चल रहा है ठीक है फिर अक्टूबर आएगा आपका फिर आपका नवंबर हो गया ठीक है इसके बाद आपका दिसंबर हो गया अच्छा सितंबर तो प्री का एग्जाम है अभी जो हम लोग मई में है ठीक है तो मई हो गया जून हो गया जुलाई हो गया अगस्त हो गया आपका सितंबर हो गया अक्टूबर नवंबर और दिसंबर तो अभी से आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो अभी से आपको क्या करना चाहिए मेन्स का प्रिपरेशन पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए ना कि प्री पे ठीक है बाकी प्री पे भी आप फोकस कर सकते हैं यहाँ पे आप चाहे तो लगभग जो है सेवेंटी परसेंट आप मेन्स पे दे सकते हैं और थर्टीन परसेंट और आप प्री पे दे सकते हैं बाकी जैसे ही जुलाई आपका समाप्त होता है ठीक है जून तक ही समाप्त होने तक बात कर लेते हैं हाफ जो है अगर जुलाई से बात करें तो आप जो है फुल्ली आपको मेन्स पे देना होगा सॉरी प्री पे देना होगा कारण क्या है देखिए क्वेश्चन का पैटर्न बदल रहा है और चूंकि अब की बार ए बी सी डी की बात की जा रही है चार ऑप्शन की तो हो सकता है अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चन ज्यादा हो और ऐसे में निगेटिव भी है वन बाई थर्ड यदि आप प्री में ही यदि आप लिफाई नहीं कर पाते हैं तो मेंस लिखने के काबिल नहीं रहेंगे तो यहाँ से ज़्यादा फोकस आपको करना होगा तो अभी से अगर बात करें तो मई हो गया जून जुलाई ठीक है हाफ जुलाई तक जो है आप चाहें तो मैक्सिमम फोकस अपना मेंस पर रख सकते हैं और यहाँ से आपका बहुत सारा मेन्स का सिलेबस तैयार हो जाएगा ठीक है चलिए और इसके लिए आप कर क्या सकते हैं तो यहाँ पर जो है अभी मैं बताया जैसे आज बीस मई है ठीक है तो ये थोड़ा सा लेट से यहाँ आपको लेक्चर अपलोड हो रहा है इक्कीस हो जाएगा बाईस ये हो जाएगा आपका संडे मंडे ठीक है ट्वेंटी थ्री ठीक है ट्वेंटी थ्री से हम लोग स्टार्ट कर देंगे तो ट्वेंटी थ्री मई से जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ पे बीपीएससी को स्पेशल ध्यान में रखते हुए अच्छा चाहे आप बीपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हो चाहे आप यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हो चाहे आप यूपी पी सी एस का प्रिपरेशन कर रहे हो देखिए एनसीईआरटी से हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे ठीक है पैरेलली एक सब्जेक्ट भी हम देखेंगे एनसीआरटी तो सभी के लिए कॉमन है बेस बनाने के लिए एक जो है आपका बढ़िया फाउंडेशन बन जाए तो आप चाहे तो जितना मंजिल इमारत आप बना सकते हैं ठीक है तो यहां से हम लोग देखेंगे और बिल्कुल मेन्स और प्री का दोनों जो भी फैक्ट बनेगा हम लोग यहाँ पे देखेंगे ठीक है तो बाकी लेक्चर को आप अधिक से अधिक लोगों में शेयर कर देंगे चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आपका अच्छा टेस्ट सीरीज के ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं ठीक है इसके बाद हम मेंस को देख लेते हैं देखिए टेस्ट सीरीज जरूर लगाना चाहिए आपको बहुत सारे लोग का प्रश्न होता है आ, मार्केट में टेस्ट सीरीज अभी से अवेलेबल भी है इससे बेनिफिट ये होता है कि जो भी आपको कंसेप्ट पहले से आता है उसका क्या होता है आपका रिविजन ठीक है और जो आपको नहीं आता है वहाँ से आप सीख लेते हैं यानी आप लर्न कर लेते हैं गेन कर लेते हैं टेस्ट सीरीज आपको लगाना चाहिए प्रैक्टिस हो जाता है टाइम मैनेज करने का भी आप सीख लेते हैं और अभी मैं टेस्ट सीरीज का प्री पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं या मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है देखेंगे तो अभी जो है बहुत सारे बच्चों का एक प्रश्न था कि हम मेंस में जो है हमारा क्वेश्चन आते हुए भी छूट गया कुछ लोग का था कि क्वेश्चन आ नहीं रहा है कुछ लोग का था कि हम जो है वर्ड को लिमिट नहीं कर पाए ठीक है ये टेस्ट सीरीज आपको इसमें अहम भूमिका निभाता है ठीक है तो ये जरूर आपको देना चाहिए टेस्ट सीरीज किसका किसका देना चाहिए ये हम लोग बाद में इसका डिस्कस कर लेंगे मार्केट में जो भी रिपोर्टेड संस्थान है आप एक आठ का टेस्ट सीरीज यहाँ पे दे सकते हैं चलिए अब हम लोग देख लेते हैं आपको मेन्स में जो है क्वेश्चन कैसे कैसे आए और हम लोग अपना प्रिपरेशन जो है कैसा करना चाहिए ठीक है चलिए देखते हैं सबसे पहले हम लोग जीएस पेपर जो है वन देख लेते हैं देखिए ये है आपका जीएस पेपर वन ठीक है तीन सौ मार्क्स का और यहाँ पे देखेंगे तो सेक्शन वन है खंड एक है अब देखिए चेंजेस जो अभी तक में जो सबसे बड़ा चेंज हुआ है वो क्वेश्चन नंबर वन है आपका अब आपको पहले दिखता था क्या थर्टी एट मार्क्स का तीन क्वेश्चन लिख देना है आपको ठीक है थर्टी एट थर्टी एट थर्टी एट का अब यहाँ पे क्या होता था एग्जामिनर के पास जो है क्वेश्चन बनाने का स्कोप क्या होता था कम होता था रेंज जो दायरा होता था कम होता था अब देखिए किया क्या गया है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर पहला चलिए इसको जूम कर लेते हैं थोड़ा और दिख ही रहा होगा देखिए चलिए देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखेंगे तो यहाँ पे ए बी सी डी और ई e. यहाँ पे आपसे पांच क्वेश्चन पूछ दिया गया है और ये देखेंगे तो आठ 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 सात सात यानी इतने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे अब इस पर क्या लिखा है संक्षिप्त टिप्पणी करें और इसका प्रैक्टिस आप लोगों का था नहीं जनरली किसी को इसका प्रैक्टिस था नहीं कोई इसके लिए तैयार नहीं था ऐसे उम्मीद लगाया जा रहा था पहले से कि एक आध क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा लेकिन उम्मीद नहीं था कि ऐसे जो है क्वेश्चन आपको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए आठ 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 सेवन सेवन का ठीक है बाकी यहाँ पे किया गया है तो ये आपको क्या हो गया यहाँ पे जो पहले आप तीन क्वेश्चन यहाँ से केवल सॉल्व करते थे अब ये क्वेश्चन आपका कितना बन गया आपका दो क्वेश्चन इसके अलावा ऑल सर्व करना है तो आपका सात क्वेश्चन यहाँ पे लिखने को मिल गया केवल खंड एक में तो क्वेश्चन यहाँ पे ज़्यादा लिखने को मिल गया अब इसमें यदि आपने आपको लिमिटेड आप नहीं कर पाए होंगे यदि लिमिटेड आपको नहीं करेंगे वर्ड ठीक है संक्षिप्त में नहीं लिखेंगे अब लिखने की आदत क्या है बीपीएससी में जो प्रैक्टिस करते हैं थर्टी एट नंबर का क्वेश्चन पूरे क्वेश्चन को डिस्क्राइब करके लिख रहे हैं चार पांच सौ वर्ड में ठीक है यहाँ पे अगर चार पांच सौ वर्ड में लिखेंगे तो इसी क्वेश्चन में आपका कहानी फिनिश हो जाएगा तो यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछा था भारत सरकार अधिनियम अठारह दूसरा पूछा था बिरसा मुंडा आंदोलन फिर नील विद्रोह और पटना कलम चित्रकला प्राचीन काल में पूर्वी भारत में गुहाओं का विकास अब यहाँ पे स्पष्ट रूप से आपको चेंजेस देखने को मिल रहा होगा देखिए पटना कलम पहले भी पूछा जाता था ठीक है बिरसा मुंडा पूछा जाता था यहाँ पे स्कोप बनाने का क्वेश्चन को, जो है ज्यादा हो गया तो यहाँ पे पूछ दिया गया प्राचीन काल में पूर्वी भारत के गुहाओं का विकास ये क्वेश्चन आज तक नहीं पूछा गया है ठीक है ऐसे हिस्ट्री का क्वेश्चन अगर आप 68 को केवल छोड़ दें 67 से देखे आप तो कम से कम जो है 20 से 25 क्वेश्चन का एक सेट है वही रिपीट होता था और इस बार वो जो है क्या हो गया ब्रेक डाउन हो गया उसका ठीक है अब ये मिथ जो है इसको हमको समाप्त करना होगा यह मिथ ही हो गया ठीक है अब अपने पढ़ने का जो है रेंज को है दायरा को क्या करना पड़ेगा बढ़ाना पड़ेगा और ये हर एक सेक्शन में काम हुआ है क्वेश्चन नंबर वन में और ये आपको अनिवार्य है लिखना आप इसको स्केप नहीं कर सकते हैं देखिए और कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है ठीक है तो ध्यान से देखेंगे यहाँ पे अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन आता है कि आखिर ये प्रश्न आए तो कहा से हमारा कंप्लीट होगा कौन सा सोर्स पढ़े हम ठीक है तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा बस एक वर्ड यहाँ पे एनसीआरटी एनसीआरटी आप पढ़ ले अच्छे से ठीक है और जो भी उसमें एग्जाम्पल वगैरह दिया गया है उसके अलावा भी आपको हम यहाँ पे क्वेश्चन बहुत सारा लिखने के लिए देंगे आप लिख लेंगे सारा क्वेश्चन उसी में आ जाएगा अच्छा आप देखें देखना चाहते थे आप देख सकते हैं चाहे जो लोग एन पढ़े होंगे देखे होंगे ठीक है ये क्वेश्चन जो आपको लिखा है ईन में ये डायरेक्टली एन से उठाया गया है प्राचीन काल में जो है पूर्वी भारत में गुहाओं का विकास ये उसके ऑप्शन में भी यानी क्वेश्चन में जो लास्ट में देता है वहाँ देखने को मिल रहा है साथ साथ देखेंगे तो ये अठारह सौ अठावन चाहे बिरसा मुंडा के बारे में चाहे नील विद्रोह या पटना कलम चित्रकला ये आपको सारा एन में देखने को मिल जाएगा डायरेक्टली ठीक है तो जो लोग पढ़े होंगे एनसीआर उनको प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं आया होगा दूसरा प्रॉब्लम क्या बना है वर्ड लिमिट का ठीक है तो चूंकि देखिए यहाँ पे पांच क्वेश्चन है तो यदि मान लीजिए चार सौ वर्ड में ही लिखना है पांच क्वेश्चन है तो ठीक है आपके पास कितना आ गया अस्सी वर्ड आ गया तो बिल्कुल अस्सी वर्ड में ही आपको सीमित करना था आपके एक क्वेश्चन को अब अस्सी वर्ड में कैसे सीमित कर पाएंगे यदि इसके बारे में आपको फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन हो ठीक है अब ये इन्फॉर्मेशन अब इसका आपको क्या करना पड़ेगा प्रैक्टिस करना पड़ेगा अब बिरसा मुंडा आंदोलन के बारे में आपको अस्सी वर्ड में ही बता देना है ठीक है जो भी कोर कोर पॉइंट है आपका उसको बता देना है ये जो है यहाँ पे क्या दिखने को दिख रहा है आपको अब जैसे यूपीएससी में आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं वैसे ही कुछ आपको झुकाव देखने को मिल रहा है इसके लिए आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा इसके लिए हम लोग यहाँ पे NCRT पढ़ेंगे ठीक है बाकी स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे यहाँ से हो जाएगा ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर दो देखिए बाकी तो पहला आपको मेजर चेंजेस दिख गया होगा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदय के कारकों पर चर्चा कीजिए और इसमें स्वतंत्रता संग्राम के किस प्रकार की दिशा दी है नेक्स्ट है इसके ऑप्शन में ब्रिटिश शासन के विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत बिहार में औपनियसिक तकनीकी शिक्षा में विकास का चर्चा कीजिए थे तो प्रीवियस में भी पूछा गया था पहले प्राचीन काल में जो है उत्तर भारत में हुए मंदिरों के विकास का विश्लेषण कीजिए अभी भी डायरेक्टली आपको एनसीआरटी पढ़ेंगे वहां पे जो है डायरेक्टली क्वेश्चन दिया हुआ है ये ठीक है डायरेक्ट एनसीआरटी में दिया हुआ है आपको क्वेश्चन समाज और संस्कृति पर रविन्द्रनाथ टैगोर का विचार थे पहले भी आता था अभी भी आया है ठीक है अब जरूरी नहीं है अब रविन्द्र टैगोर का आया है नेहरू का आ जाए ठीक है या बिहार में जो भी विशेष विशेष व्यक्तित्व है किन्हीं से भी क्वेश्चन आ सकता है हिस्ट्री में जो मेजर चेंजेज आपको देखने को मिला है वो है क्वेश्चन नंबर वन ठीक है इसका क्वेश्चन लिखने का फॉर्मेट बदल दिया गया तो आपको भी अपना फॉर्मेट बदलना होगा आपको प्रैक्टिस करना होगा बाकी एज यूजल आप प्रैक्टिस करेंगे आप यहां से कर सकते हैं बहुत मुश्किल पेपर नहीं था चलिए आगे देखते हैं हम लोग सेक्शन वन हो गया था अब देखते हैं इसका सेक्शन टू ठीक है देखिए खंड दो देखिए तो यहां भी सेम कहानी वही है क्वेश्चन नंबर जो चार है यहाँ भी आपको कितना प्रश्न लिखना है पांच प्रश्न लिखना है फिर पहले एक प्रश्न लिखने को आता था तो देखिए आठ 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 सात सात का ठीक है अब यहाँ भी क्या हो गया? हो गया गया स्कोप ज्यादा बनाने का क्वेश्चन देखिए पहला पूछा है अठारहवीं आथ, जो है राष्ट्रीय स्काउट्स और गाइडेंस जो है जम्बूरी का आयोजन कहा किया गया इसका उद्देश्य का वर्णन कीजिए आठ नंबर में ही लिखना है ठीक है नेक्स्ट है आपको ये प्रश्न कहाँ से आए अभी हम डिस्कस कर रहे हैं फिर देखिए राष्ट्र जो है संघ लोक प्रशासन नेटवर्क के शांति और सुदृढ़ संस्थाओं के प्रबंधन सतत विकास के उद्देश्य सोलह के शासनादेश का उल्लेख कीजिए आपको पता है सतत विकास में टोटल सत्रह गोल है इसमें उद्देश्य सोलह के बारे में आपको बताना था बिहार के अधिकार आधारित ई सेवा के बारे में बताना था नेक्स्ट देखिए बिहार राज्य में जो सौर ऊर्जा के उत्पादन के क्षेत्र में किया गया जो प्रयास आखिर बिहार में जो सौर ऊर्जा कितना उत्पादन बढ़ा है पिछले विगत कुछ वर्षों में और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आत्मनिर्भर बिहार के साथ निश्चय टू ये अगर इजी क्वेश्चन के ऊपर बात करें तो सात निश्चय टू तो सारे लोग किए ही होंगे ठीक है सौर ऊर्जा के बारे में भी आप लोग पढ़े होंगे ठीक है यहां पे ई e सेवा के बारे में भी बहुत सारे लोग लिख लिए होंगे दिक्कत आपको कहां आया होगा ए और आपको बी लिखने में ठीक है दो क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आया होगा बहुत सारे लोगों लो को ठीक है अब ये प्रश्न जो है कहां से आए हैं क्वेश्चन दूसरा ये बनता है ठीक है अब जो लोग भी पी वगैरह फॉलो करते होंगे ठीक है या जो एडिटोरियल वगैरह देखते होंगे तो वो लोग तो एक क्वेश्चन कर लिए होंगे ये सब क्वेश्चन डायरेक्टली आपको देखेंगे तो द हिंदू एडिटोरियल वगैरह से डायरेक्टली उठाया गया है ठीक है या ऑनलाइन पेपर वगैरह भी पढ़ते होंगे तो आपको देखने को मिलता होगा यानी आपको एक बात क्लियर यहां से क्या हो गया आपको अपने पढ़ाई में अब को तो ऐड कर ही देना होगा ठीक है तभी आप जो है क्वेश्चन कर पाएंगे ठीक है आगे देखिए बाकी और भी क्वेश्चन में आपको एडिटोरियल काफी भूमिका निभाएगा अगला है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे पांच दिया गया है भारत में विदेशी विश्वविद्यालय के कैंपस स्थापित करने के लिए दरवाजा खोलने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा हाल ही में घोषित मसौदा नियम क्या है आप जो है भारत में उस शिक्षा पर उनके प्रभाव के बारे में कैसी संभावना का कल्पना करते हैं क्या आपको लगता है कि खेल परिवर्तन होगा उत्तर में अपना समर्थन में तर्क दीजिए अब ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ये क्या है क्वेश्चन प्रैक्टिकली क्वेश्चन आपसे अप्लाइड क्वेश्चन पूछा गया है ठीक है अभी आप कहीं टेस्ट सीरीज वगैरह में जाके आपको नहीं लिखवाया गया होगा यहां पे आपका अपना तर्क प्रस्तुत करना है आपका अपना समर्थन देना है इसमें कि अगर मान लीजिए भारत में विदेशी भी विश्वविद्यालय भी आएंगे तो आपको प्रैक्टिकली जो जो है इस सोच से जो है इस से टॉपिक को पढ़ना होगा ठीक है आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आधी सदे पहले जो है भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए बुनियादी ढांचों के सिद्धांत के बारे में हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा आलोचना और आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए क्या आप समझते हैं कि यह बहस जो है कार्यपालिका न्यायपालिका के बीच निकट भविष्य में टकराव मुद्दा साबित होगा ठीक है नेक्स्ट देखते हैं और अगला इसका क्वेश्चन है तो आप देख सकते हैं करंट का स्तर जो है क्या चेंजेज हुआ है इसमें तब आपको पेपर पढ़ना ही होगा आपका इसका कोई अल्टरनेट नहीं है कोई संस्थान कोचिंग वगैरह इसके आपके लिए तैयार नहीं करा सकता है पेपर आपको ही पढ़ना होगा ठीक है बाकी कंटेंट वगैरह हम यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर देंगे जितना मदद कर सकते हैं हम इतना आपको यहाँ पे मदद करेंगे ठीक है कि आप कहाँ कहाँ से पढ़े क्या पढ़ें ठीक है एडिटोरियल भी आपको यहाँ पे कराया जाएगा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है क्या आपको लगता है कि इस साल के अंत में दिल्ली में होने वाले जी ट्वेंटी शिखर सम्मेलन की अपनी अस्थायी विकासात्मक चुनौतियों के बावजूद भी भारत में अपनी महत्वाकांक्षा के माध्यम से सफल बनाने के लिए विकासशील दुनिया के नेतृत्व को पुनः प्राप्त करना चाहिए क्या आपको लगता है कि भारत को दक्षिणी विश्व के आम लक्ष्यों के खोज में एकजुट में वास्तविक कठिनाइयों का सामना कर पड़ रहा है अभी भी देखिए ये भी एक तरह से अप्लाइड ही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है तो इस तरह से क्वेश्चन के लिए आपको तैयार रहना होगा आगे देखिए एक और क्वेश्चन है इसके और में सीरिया और तुर्की भूकंप आपदा सहायता राष्ट्र संघ की पहुंच और संसाधन में उनकी भूमिका बताना है अभी सीरिया वगैरह में तुर्की में भूकंप जो आया था तो उसके लिए राष्ट्र संघ का जो है क्या आपका योगदान था क्या भूमिका था इसके बारे में लिखना था ठीक है तो ये सब जो है यदि आप पेपर पढ़ते हैं ठीक है थीके? आप यदि मंथली मैगजीन पढ़ रहे हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा बाकी आईजी जैसे डी पूछता था पहले अभी भी डी वैसे ही पूछा गया है बिल्कुल सिंपल सिंपल सा डी है आप गलती नहीं किए होंगे तो इसमें यहाँ पे पूरा फुल मार्क्स आप लेके आ सकते हैं ठीक है तो एज इट इज जैसे डी पूछा गया था कोई चेंजेज नहीं है तो डी के लिए तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है प्रीवियस ईयर जो भी क्वेश्चन है जो आज तक बी में पूछा गया उसका प्रैक्टिस कर लें कैलकुलेशन यहाँ पर मिस्टेक नहीं करेंगे बस ध्यान देना है क्या कैलकुलेशन पे कि आपका कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हो बल्कि बाकी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है ठीक है बाकी डीआई के लिए आपको यहाँ पे बताएंगे ठीक है अब यहाँ पे क्या है बस आपको स्टेटमेंट लिखने आना चाहिए बाकी कुछ इसमें खास क्वेश्चन में है नहीं चलिए तो ये सब आपका डी आई वगैरह का क्वेश्चन था इस तरह से तीनों पेपर हम लोग देख लिए यहाँ पे ध्यान देंगे आप डी में क्वेश्चन नंबर सात हो गया ये ठीक है तो यहाँ पे आपका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह दिया गया है ठीक है ये क्वेश्चन ही थे चलिए बाकी हम देखते हैं हाँ। अब आपका जीएस पेपर टू देख लेते हैं ओके ठीक है ये आपका जीएस पेपर टू है ये भी आपका तीन सौ मार्क्स का है तो इसको भी देख लें और यहाँ भी सेम वही काम किया गया है खंडे में क्वेश्चन नंबर एक में आपको शॉर्ट आंसर ही लिखना है यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न है सेम वही आठ आठ, आठ आपका सात सात का मार्क्स का यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन है ठीक है और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है भारत में जो है गत्यात्मक धर्म निरपेक्षता को आलोचनात्मक दृष्टि से विश्लेषित कीजिए ठीक है आपको क्रिटिकली डायनेमिक जो है सेक्यूलरिज्म के बारे में बताना था क्षेत्रीय में। में राजनीति अपनी भूमिका निभाती है सकारात्मक निर्देश देने में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र का एक चार्टर के रूप में उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए ये भी आपको आठ नंबर का क्वेश्चन है अगला देखिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुनर्लोकन क्षेत्राधिकार को स्पष्ट कीजिए पहले भी पूछा जा चुका है बिहार ने पिछले दशक में अपनी राजनीति संस्कृति में सुधार देखा है बताइए तो ये सब देखिए कुछ प्रैक्टिकल अप्लाइड क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा रहा है ठीक है तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे गए थे तो पॉलिटी का जो है लेवल क्वेश्चन का देखे तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए ठीक है यहाँ पे जो है क्वेश्चन की बात करें तो पूरा आपको लगभग वैरायटी यहाँ पे मौजूद है आगे देखेंगे तो बाकी यहाँ पे देखेंगे अगला क्वेश्चन है यहाँ पे ध्यान देंगे तो उन्नीस प्लस उन्नीस का स्कीम है यानी इस क्वेश्चन में दो बातें लिखी गई है दोनों बातों के लिए मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया क्षेत्रीय परिषदों के अंतर्गत देश में राष्ट्रीय हित की सर्वोपरि सर्वोपरिता प्रतिष्ठापित है भारत के क्षेत्रीय परिषदों की प्रकृति कार्यशैली के, के परिप्रक्ष में आलोचनात्मक दृष्टि से परीक्षण कीजिए नहीं तो आपको ऑप्शन में एक और क्वेश्चन है यहाँ पे जाति जो है भारतीय राजनीति में एक भूमिका निभाती है दशकों के इस काम काज में बदलाव आया है आप पिछले कई दशकों में इसकी बदलती भूमिका को कैसे देखते हैं क्या विकास विकास का तर्क जो है जाति के चरित्र को कमजोर करता है

अब ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ठीक है अब यहाँ पे जैसे कृषि वगैरह सेक्टर से जो जनरली पिछली बार देखेंगे तो क्वेश्चन जो है पूछा गया था बिहार वगैरह से भी यहाँ पे डायरेक्टली वो आपको देखने को नहीं मिल रहा है तो यहाँ पे जो है ये अपना क्या कर रहा है रेंज जो है पेरीमीटर थोड़ा सा बढ़ाते बढ़ते हुए दिख रहा है अगला देखेंगे तो फेबर दो में भारतीय दूर संचार जो है यानी ट्राई के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2020 के अंत तक अखिल भारतीय औसत जो है पचासी दशमलव नौ वन के मुकाबले बिहार में जो है टेली कम्युनिकेशन टेली घनत्व तो जो है तिरपन दशमलव सात एक था अब बोल रहा है इसका कारण बताइए इसका प्रभाव बताइए ऐसा आखिर क्यों है ठीक है और इसको सुधार करने के लिए आप कौन सा कदम उठाएंगे ठीक है उठाए जा सकते हैं ये भी अप्लाइड क्वेश्चन है आपको साथ साथ इसमें आपको डाटा डाटा भी आपको आना चाहिए और साथ साथ अप्लाइड भी है नेक्स्ट देखिए नीली क्रांति के बारे में पूछा जा रहा है नीली अर्थव्यवस्था की पहचान कीजिए राष्ट्रीय विकास में जो है दस मुख्य आयामों में से एक रूप में जानी जाती है उपयुक्त कथनों का आलोक में अर्थव्यवस्था के लिए इसके महत्व पे चर्चा कीजिए और नीली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए भारत द्वारा जो उठाए गए कदम का सूची बनाइए क्या कि नीली अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए भारत क्या, क्या क्या कदम उठा रहा है कौन कौन सा योजना स्कीम आ है इसके बारे में यहाँ पर आपको लिख देना था कच्चे माल के आधार पर बिहार में वन आधारित उद्योग कृषि आधारित उद्योग और खनिज आधारित उद्योग को विभाजित कीजिए ठीक है यहाँ पर ध्यान देंगे क्या लिखा है बारह प्लस चौदह प्लस बारह यानी बारह मार्क्स आपको दिया जाएगा किसके वन आधारित लिखने के लिए कृषि आधारित के लिए चौदह और फिर बारह मार्क्स दिया जाएगा खनिज आधारित के लिए तो यहाँ पे आपको इस तरीके से लिखना था कि तीनों को जो है यहाँ पे आपको आंसर में कैप्चर करना है इसलिए थोड़ा सा आपकी की पार का पेपर जो है डिफिकल्ट हो गया क्योंकि यहाँ पे चेंजेस जो है देखने को मिले हैं जो स्पष्ट रूप से आपको दिखाई पड़ रहे हैं ठीक है यहां तो यहाँ पे ये क्वेश्चन तो आप कर सकते थे खैर यहाँ पे वन आधारित उद्योग और कृषि आधारित उद्योग तो बिहार में है खैर बाकी जो है खनिज वगैरह के लिए ज्यादा कुछ तो बिहार में है नहीं बाकी तो भी आप लिख सकते थे आगे देखिए इसका सेक्शन थ्री देखते हैं तो यहाँ भी सेम वही कहानी क्वेश्चन नंबर सात और यहाँ आप एक से ज्यादा प्रश्न लिखिए पहला ही लिखा है कि भारतीय परिप्रेक्ष्य में बताइए तकनीक का स्वदेशीकरण से आप क्या समझते हैं ठीक है तकनीक का जो स्वदीकरण स्वदेशीकरण हो रहा है उसे क्या समझते हैं दूसरा देखिए व्याख्या कीजिए कि बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारत के लिए अपने परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का विस्तार करना क्यों आवश्यक है परमाणु कार्यक्रम में आवश्यक सावधानियां भी लिखिए ये पहले भी क्वेश्चन एक्चुअली आपसे पूछा गया था आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर तीन ये थर्टी एट मार्क्स का है भारत के चुनाव आयोग ने चुनाव कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है दशकों से चुनाव को जो है स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाने के लिए इसकी भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए बिहार में जो है बिहार सेशन और सेशन युग के बाद चुनाव के संचालन के संदर्भ में अपने उत्तर का कारण दीजिए यह लोकतंत्र को मजबूत करने में कैसे योगदान देता है तो ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था पहले बीपीएससी में आगे देखें अगला क्वेश्चन है राज्यसभा की संरचना और शक्तियों का विवेचना कीजिए और संसद के द्वितीय सदन के रूप में इसकी भूमिका का उल्लेख कीजिए तो यह भी क्वेश्चन आपके लिए आसान सा क्वेश्चन था मुश्किल क्वेश्चन था नहीं ठीक है तो बाकी देखिए तो कम्बिनेशन जो है आसान और मुश्किल दोनों का है तो पॉलिटी में अगर देखें ओवरऑल लेवल जो है क्वेश्चन का अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे बनाया गया है कुछ प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन यहाँ पे देखने को आपको मिल रहा है बाकी जो है अप्लाइड क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है तो आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं पे अप्लाइड जरूर उसको कनेक्ट करें और राज्य व्यवस्था तो ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको अभी दिख रहा है सामने आगे देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन यहाँ भी देखिए क्वेश्चन नंबर फोर है और यहाँ भी आपको एक से ज्यादा क्वेश्चन लिखना है सेम तो हर एक सेक्शन के क्वेश्चन नंबर जो उसका पहला है उसमें आपको एक से ज्यादा उत्तर लिखना है पहला देखिए क्या लिखा कहता है राष्ट्रीय जो लॉजिस्टिक नीति 2022 में प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के साथ भारत में जो लॉजिस्टिक दक्षता की क्रांतिकारी बदलाव लाए गए स्पष्ट कीजिए नेक्स्ट देखिए अटल इनोवेशन मिशन जो है किस प्रकार पूरे भारत में नवाचार और उद्यमशीलता को बढ़ावा दे रहा है व्याख्या कीजिए ठीक है अच्छा कुछ लोग जो है क्वेश्चन बड़े बड़े देख के बहुत ज्यादा घबरा गए होंगे ठीक है आखिर एक क्वेश्चन में इतना बड़ा पूछा है हमको मात्र जो है अस्सी वर्ड अस्सी से नब्बे वर्ड में कैसे लिखेंगे तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए क्वेश्चन का कीवर्ड पकड़िए क्वेश्चन में आखिर की वर्ड है क्या यहाँ पे ध्यान देंगे तो क्या पूछा जा रहा है अटल इनोवेशन मिशन में किस प्रकार पूरे भारत में नवाचार और उद्यमशीलता को बढ़ावा दे रहा है यानी अटल इनोवेशन मिशन से नवाचार और उद्यमशीलता में क्या बढ़ावा मिल रहा है ये आपको लिखना था मेंटर इंडिया अटल इनोवेशन सेंटर और अटल न्यू इंडिया चैलेंज जैसे अटल इनोवेशन मिशन में विभिन्न पहलों को संक्षेप में चर्चा कीजिए आगे देखिए बिहार में नगरीकरण के स्तर पर चर्चा कीजिए राज्य में नगरीकरण के निम्न स्तर से संबंधित कम से कम दो कारण का व्याख्या कीजिए आखिर जो नगरीकरण बिहार में कम हुआ है तो आखिर इसका वजह क्या है राज्य में नगरीकरण को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार क्या कदम उठाएगी ठीक है अब इन सबों को जो है संक्षेप में लिखना एक जो है आसान काम आपके लिए नहीं है ठीक है तो यहाँ प्रैक्टिस की जरूरत है आगे देखें हिंद महासागर में जो है दिवदीय जो है गति क्या है डाइपोल मूवमेंट के बारे में ओशियन डाइपोल मूवमेंट के बारे में आपसे पूछा गया है अगला आपको है भारत में ग्रामीण शहरी डिजिटल विभाजन की व्यापकता प्रभाव पर चर्चा कीजिए इसे कम करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम का जो है परीक्षण कीजिए तो आपके लिए जो है प्रश्न था आगे देखिए एक आध प्रश्न और है इंटरनेट और इंट्रानेट में क्या अंतर है तो ये क्वेश्चन आपके लिए आसान पूछा गया था और पूछ रहा है कि बताइए किस प्रकार इंटरनेट और इंटरनेट मनुष्य के जीवन को बदल रहा है प्रौद्योगिकी आधारित बिहार में आधुनिकरण पे एक नोट लिखिए अगला है स्वास्थ्य क्षेत्र में नैनो का भूमिका पर चर्चा कीजिए ठीक है नैनो टेक्नोलॉजी का हम लोग स्वास्थ्य में क्या हेल्थ सेक्टर में यूज कर सकते हैं और विभिन्न रोगों के उपचार में इसका उपयोग किस प्रकार किया जा सकता है उदाहरण सहित यहाँ पे लिखना है ठीक है तो ये सब क्वेश्चन जो है लिखना आसान नहीं था इसलिए थोड़ा पेपर आपका डिफिकल्ट बन गया था अगला देखिए क्वेश्चन है यहाँ पे संगणक और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रगति के साथ आम जनजीवन और सरकारी तंत्र के परिक्षेत्रों में भारत डाटा जो है चोरी के गंभीर संकट से जूझ रहा है डाटा चोरी जो साइबर थ्रेट है में उन विभिन्न क्षेत्रों का विवेचना कीजिए और इन सभी क्षेत्रों में केंद्र सरकार द्वारा रोकने का प्रयास का वर्णन कीजिए और तकनीक की सहायता से हम लोग कैसे इसे रोक सकते हैं ये क्वेश्चन पूछा गया था आगे देखिए एक तरफ जो है प्रत्येक परिवार में पीने योग्य जल की उपलब्धता का उद्देश्य और दूसरी तरफ बढ़ती आबादी के कारण जल की कमी पर ध्यान रखते हुए जल संरक्षण में भारत सरकार की भूमिका पर प्रकाश डालिए ठीक है कैसे इसको मैनेज करेंगे साथ ही केंद्रीय सरकार के उद्देश्य की पूर्ति हेतु बिहार राज्य द्वारा अपनाए गए वैज्ञानिक और तकनीकी जो है विकास का विवेचना कीजिए कि इसमें क्या बिहार जो है इस्तेमाल कर रहा है आपका जीएस पेपर टू था तो ओवरऑल इस पेपर का बात करें हम लोग तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे बड़ा चेंजेस क्या देखने को मिला है जो किसी भी सेक्शन का क्वेश्चन नंबर वन है यहाँ पे आपको पांच क्वेश्चन लिखना है छोटे छोटे क्वेश्चन और इनको कम शब्द में लिखना यही आपके लिए टफ टास्क था इसका प्रैक्टिस का सबसे ज्यादा जरूरत है बाकी पहले क्वेश्चन जैसे आता था बाकी यहाँ पे जो देखे थे रेंज क्वेश्चन का बढ़ा है ठीक है तो आपने पढ़ाई का भी रेंज बढ़ाना होगा आपको चलिए आगे देखते हैं हम लोग तो ये हम लोग जीएस वन जीएस टू देख लिए ऐसे का पेपर देख लेते हैं जो आपके लिए सबके लिए सबसे नया पेपर था देखिए और ऐसे के पेपर में मैं पहले ही बता दिया कोई आपको इसका प्रिपरेशन करा नहीं सकता यहाँ पे केवल मार्गदर्शन आपको दिया जाता है गाइडेंस दिया जा सकता है ठीक है बाकी अपना ही जैसे मैं एक सीधे सीधे आपसे बात करूँ कि आप जब साक्षात के लिए जाते हैं ठीक है आप इंटरव्यू में जाते हैं कहीं आपका व्यक्तित्व का क्या मौखिक परीक्षण होता है ठीक है क्या होता है मौखिक परीक्षण होता है यहाँ पे क्या होता है लिखित परीक्षण होता है बस यही अंतर है कोई भी आपके सामने तथ्य रखा जाएगा आप उसको कैसे लिख पा रहे हैं ठीक है सिंपल सा तो यहाँ पे देखिए सेक्शन वन है और यहाँ पे सौ नंबर का ऐसे लिखना था आपको ठीक है यहाँ पे लिख दिया गया है कि, कि किसी भी टॉपिक पे आप सात से आठ वर्ड में लिखेंगे तो वर्ड लिमिटेशन भी आपको दे दिया गया है यहाँ पे देखिए तीन टॉपिक था तीनों में से चार टॉपिक है चारों में से कोई आपको एक लिखना है ठीक है देखिए पहला क्या है जंगल अपने पेड़ जो है स्वयं तैयार करता है यह लोगों के जंगल में आकर बीज फेंकने का इंतजार नहीं करता ठीक है अब देखिए ऐसे भी आपको बहुत तरह का होता है ठीक है एक तो डायरेक्टली आपको जो देखने को मिलता है और एक क्या होता है आपको काल्पनिक होता है ठीक है तो यहाँ पे जो है दूसरा देखेंगे तो साहित्य ज्ञान का केवल एक स्रोत ही नहीं है साथ ही यह नैतिक और सामाजिक क्रिया का भी एक रूप है तो अगर ऐसे का बात करेंगे सीधे सीधे आप एक काम करेंगे ऐसे के लिए ठीक है यू पी एस सी यू पी पी सी एस यहाँ पर जितना ऐसे पूछा गया है विगत जो है चार पाँच सालों में इस सारे ऐसे को आप लिखेंगे बिल्कुल इसी पैटर्न को जो है फॉलो किया गया है यहाँ पे ठीक है तो काफ़ी अच्छे लेवल का यहाँ पे देखें क्वेश्चन पूछा गया आपका नेक्स्ट देखें तो ऐसे लिखने का क्या आपको कोई तरीका बता सकता है तो हम ऐसे के ऊपर एक आपको सेपरेट लेक्चर बताएंगे बनाएंगे वहाँ पे और उसको हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिर ऐसे को कैसे अप्रोच करें बाकी आप ऐसे के लिए क्या करें एडिटोरियल पढ़ते रहें जीएस वगैरह का भी नॉलेज आपका यहाँ पे इस्तेमाल होता है ठीक है बाकी आपका अनुभव और आपका लिखने का तरीका आपका सोचने का तरीका किसी टॉपिक को लेके अपने अनिवार्य कर्तव्य का पालन करें क्योंकि कर्म निष्क्रियता से अवश्य ही उत्तम है अगला है उत्कृष्टता कला हमारी अनुभव को प्रकाशित करती है या सत्य को उद्घटित करती है तो तीन चार था इन तीनों में से चारों में से एक लिखना था अब चारों जो है अच्छे अच्छे टॉपिक है ऐसा नहीं कोई पारंपरिक टॉपिक है उठा के दे दिया गया पहले से ठीक है तो यहाँ पे जो है डिफ्रेंसिएट जो है क्रिएट हो सकता है जिसका पकड़ इस पर मजबूत होगा दूसरा देखे खंड दो ये भी सौ मार्क्स का है आपको यहाँ पे भी विचार दिया है हम इतिहास निर्माता नहीं है बल्कि हम इतिहास द्वारा निर्मित है ठीक है इंटरनेट से हमारे संसार को विश्व गांव में बदल दिया है विचार जीवन का आधार है कोविड के बाद बदलाव मांगती शिक्षा तो इसमें जो है आसान टॉपिक आपका था जैसे क्वेश्चन नंबर आठ था ठीक है आपको पता है कैसे इफेक्ट हुआ था तो ये सब जो है चारों में से आपको एक लिखना था ठीक है सात से आठ वर्ड में ठीक है तो टाइप टू हो गया नेक्स्ट देखते हैं टाइप थ्री जो सबके लिए जो है नया था देखते हैं क्या है और जैसे चेयरमैन सर के द्वारा बताया भी गया था कि आपका जो सेक्शन थर्ड होगा वो बिहार स्पेशल जो भी कहावत मुहावरा वगैरह है वहीं से देखने को आपको मिलेगा यहाँ भी सात सौ से आठ सौ वर्ड में लिखना है आपको देखिए चार ऐसे दिया गया है ठीक है पहला देखिए क्या लिखा है धर्म के बिना विज्ञान नाडेचर छ और विज्ञान के बिना धर्म जो है अनेचर छ अब ये जो है ये तो हिंदी है नहीं आपको पता है लेकिन बिहार में भी मैथिली वगैरह में ये सब बोला जाता है यहाँ पे पानी में मछरिया नौ नौ जो है कुटिया बखरा ये सब जो है कहावतें बोली जाती है यहाँ पे अगला खेती जो है आगे आगे पिछला खेती जो है भागे जागे और अगला है आपको मूंस मुटैंह जो है लोढ़ा हो ना हाथी ना घोड़ा हो ये क्या है आपको जो जनरली हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं इसके बारे में आपको लिखना था व्याख्या करके ठीक है अब ऐसे बहुत सारी कहा होते हैं अब आपको कितना टॉपिक कोई रेडी करा देगा और गेस करके बता देगा आप ये टॉपिक रेडी कर ले दस तो इस पर क्या होना चाहिए आपका अपना समझ डेवलप होना चाहिए आपको अपना लिखने का तरीका आना चाहिए आखिर ऐसे लिखते हैं तो पहले क्या लिखते हैं हम लोग ठीक है कंटेंट कैसे उसमें लिखेंगे ऐसे में मतलब किस फ्लो में आप आगे बढ़ेंगे निष्कर्ष तक कैसे पहुंचेंगे ठीक है ये सब प्रैक्टिस से ही आएगा ठीक है बिल्कुल प्रैक्टिस करना होगा इसको आपको और ऐसे के लिए हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे उसके लिए जो है सप्ताह में एक दिन हम रखेंगे और उस दिन आपको कुछ ऐसे दिया जाएगा लिखने के लिए आप लिखेंगे और उसको जो है टेलीग्राम ग्रुप में सबमिट करेंगे उसका मूल्यांकन किया जाएगा आपको बताया जाएगा कि के ऊपर काम करना होगा स्पेशली इसे के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा काम करना होगा क्योंकि ये तीन सौ नंबर जो है बहुत ज़्यादा जो है आपको डिफेंशिएट क्रिएट कर देगा भीड़ से अलग करने में चलिए तीन पेपर देख लिए लो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला देख लेते हैं हम लोग ऐसे के बाद आपका ये हिंदी का पेपर जस्ट ऐसे एक हम लोग इसको देख लेते हैं एक नज़र में ये तो ऐसे क्वालिफाइंग इन नेचर है आपका चलिए देखिए तो हिंदी एज यूजल जैसे क्वालिफाइंग था वैसे ही क्वालिफाइंग है अभी भी ठीक है यहां भी आपको देखेंगे तो 500 शब्दों में एक निबंध लिखना था अब ऐसे टॉपिक का उम्मीद यदि आप करते हैं आप ऐसे पेपर में तो आपको लिखने को नहीं मिलेगा आप देखें ऐसे ही उम्मीद बहुत सारे लोग लगा के गए थे ऐसे पेपर लिखने आपकी बार कि संस्कृति और समाज महंगाई की समस्या दहेज पर था आज की भारतीय नारी आदर्श विद्यार्थी नई जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति ऐसे टॉपिक को रेडी करने से आपका काम बिल्कुल नहीं चलने वाला है ऐसे में ठीक है तो आपको डिफ्रेंशिएट जो है बिल्कुल आप अंतर स्पष्ट कर पा रहे होंगे जो आपका मुख्य पेपर में ऐसे पूछा गया है और यहाँ जो ऐसे पूछा गया तो ऐसे ऐसे से आप जो है ऐसे पेपर तैयार नहीं करेंगे बाकी इफेक्ट आपके वहाँ काम आएगा लेकिन आप उस पैटर्न के हिसाब से अपने आप को तैयार करें ठीक है चलिए तो ये था इसमें कोई एक लिखना था बाकी ऐसे ही आपको ये गद्यांश दिया है इसको वन थर्ड में शॉर्ट करना था अशुद्ध शब्द वगैरह था इसको शुद्ध करना था एज यूजल जैसे पेपर आता था आपका वैसे ही पेपर बना हुआ है इसको आप इजली क्वालिफाई कर लिए होंगे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा मुहावरा वगैरह है जो आप इजली देखते होंगे बाकी काल का परिभाषा देना है परिवाचित शब्द वगैरह बताना है ये सब पहले भी आता था ये सब पहले भी अभी देखने को मिला है ठीक है बाकी आपको है संधि विच्छेद वगैरह कीजिए कारक बताइए पांच शब्दों में विलोम शब्द वगैरह बताना है चलिए बाकी हम देख लेते हैं एक ऑप्शनल का पेपर आखिर कैसा रहा ठीक है यदि ऑप्शनल में आप क्वालिफाई नहीं करेंगे तो वहाँ भी आपको प्रॉब्लम होगा ठीक है तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे हम लोग हिस्ट्री ऑप्शनल का पेपर देखेंगे ठीक है क्वेश्चन कैसे पूछा गया और जैसे बताया गया कि क्वेश्चन अच्छा अच्छा पूछा जाएगा तो देखते हैं हम लोग और यहाँ निगेटिव का प्रावधान है ठीक है तो मैक्सिमम मार्क्स देखिए यहाँ पे सौ है दो घंटे का आपको टाइम दिया गया है ठीक है और यही पेपर आपका चेंज किया गया है देखते हैं चलिए इसको जूम कर लेते हैं एक नज़र में इस सब क्वेश्चनों को देखते हैं बाकी हम इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन नहीं करेंगे जैसे देखिए पूछा है गोलमेज सम्मेलन के प्रस्ताव के आधार पर ब्रिटिश सरकार द्वारा क्या किया गया था इसके बाद देखिए नेहरू यादगार भाषण जो है भाग्य के साथ पूर्व निश्चित भेंट दिया था फिर आगे प्रथम जो है भारतीय सेवाओं की परीक्षा इलाहाबाद में कब की गई थी किस आंदोलन द्वारा जो है मुख्य मानवीय रहित और सामाजिक कार्य को तो देखिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं ठीक है, है। ब्रिटिश सरकार में जो है भारत को समझा एक क्या समझा भौगोलिक खोजे जो है सहायक होती है ठीक है ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो है पूछा गया तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं इसमें आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी वगैरह को भी सम्मिलित किया गया है सॉरी वर्ल्ड ज्योग्राफी में बोला वर्ल्ड हिस्ट्री को भी सम्मिलित किया गया है ठीक है तो ये सब इसमें क्वेश्चन है क्रांतिया मूलता जो है अठारह सौ पंद्रह से कंजर्वेटिव नीतियों की कठोरता और त्रुटियों के विरुद्ध थी ये किसने कहा था अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम जो है किसके साथ समाप्त हुआ था ठीक है चीन के साथ मुक्त व्यापार नीति किसके द्वारा अपनाया गया था तो ये यदि आप एनसीआरटी पढ़ लेते हैं ओल्ड वाला ठीक है तीनों और स्पेक्ट्रम देख लेते हैं तो आपको प्रॉब्लम कोई नहीं होगी एक वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए कुछ आप एक और बुक देख लेते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ये देखिए जो चीन जापान संधि हुई थी यहाँ पे देखिए वर्ल्ड हिस्ट्री का भी क्वेश्चन आपको देखने को मिला है तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है यहाँ पे ठीक है बाकी नेक्स्ट देखते हैं क्योंकि क्वालिफाइंग ही पेपर था तो बहुत सारे प्रश्न है जो आपसे हो जाएंगे ठीक है और अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं यानी आप इसके लिए भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं ठीक है अटलांटिक चार्टर का अंतिम ध्येय क्या था ठीक है यहाँ पे फिर देखे क्वेश्चन 1920 का जो आर्थिक संकट के लिए मुख्य कारण क्या था 22 में उन्नीस को हिटलर और मुसलिनियन ने एक समझौता तब किया था तो ये देख रहे हैं आप वर्ल्ड हिस्ट्री से भी यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा गया है ठीक है बाकी नेक्स्ट देखते हैं तो जो आपका सिलेबस है सिलेबस के अंडर में रहकर क्वेश्चन पूछा गया बाकी बस फॉर्मेटिंग अंदर अंतर आ गया है शक सब जो है इसका मुख्य केंद्र कौन था द्वितीय बौद्ध सभा कहाँ हुई थी ठीक है भारत में बौद्ध धर्म का सबसे महानतम उपहार क्या था प्राचीनतम जो है समक्षी गई जो भाषा कौन थी समझी गई भाषा ठीक है अयोध्या किसके द्वारा जो है किसके किनारे स्थित है डैश के अनुसार समस्त भूमि के मालिक राजा था ठीक है तो ये सब जो है क्वेश्चन पूछा गया आसान आसान भी क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिला है ठीक है जैसे आप हिस्ट्री में देखने मौर्य के सिक्कों में किसकी छाप थी किसके शासनकाल में कुशांत साम्राज्य जो है अपने शीर्ष पे था ठीक है हर्ष से भी क्वेश्चन पूछा गया है तंजौर वगैरह बौद्ध धर्म किससे एक विश्व धर्म बनाया बौद्ध धर्म को ठीक है जैसे अशोक इसको बनाए थे दक्षिण भारत में जो साहूकारों का नाम वगैरह क्या है तो ये आपको जो है मिन्स का ऑप्शनल जो है पेपर है ये सारा पेपर वगैरह मैं टेलीग्राम ग्रुप में आपको दे दूंगा तो वहां से आप जाके चाहे तो इंडिविजुअली देख सकते हैं तो ये सब यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे ठीक है चलिए तो ये किसने तिलक को जो है भारतीय शांति का जनक कहा था ये सब क्वेश्चन आपको पता ही होगा ठीक है तो नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग देखिए क्या क्या डिस्कशन में देखें आज हम लोग सबसे पहले देखें हम लोग सिलेबस ठीक है सिलेबस के बाद हम लोग क्या देखें एग्जाम का डेट क्या है आपका नेक्स्ट हम लोग देखें ट्रेंड एनालिसिस देखें ट्रेंड एनालिसिस देखे। में हम लोग पूरे डेप्थ में एनालिसिस देखें सब्जेक्ट वाइज देखें टॉपिक वाइज एनालिसिस देख लिए और नेक्स्ट हम लोग बात किया आपको मेंस के ऊपर तो मेंस का हम सारा पेपर देखें और लास्ट हम लोग यहाँ पे ऑप्शनल का भी पेपर देख लिए मेंस में तो इस तरह से ओवरऑल यहाँ पे कंक्लूजन की अगर बात करें तो हम लोग देख रहे हैं कि मोटा मोटा जो है एक दिन आज से बचे हुए हैं ठीक है मान के चलिए चलिए एक दिन मान लेते हैं यहाँ पर आपका अप्रोच क्या रहना चाहिए मैं ऑलरेडी थोड़ी देर पहले डिस्कस कर दिया था अभी आप मेन्थ्स पर ज़्यादा फोकस करें ठीक है कंसेप्ट बनाने पर फोकस करें अभी चूँकि अब चेंजेस क्या हुआ यहाँ पे कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जा रहा है चाहे मीन्स के देखें हर एक सेक्शन में क्वेश्चन नंबर वन वहां पर आपसे पांच हाँ क्वेश्चन पूछा गया यानी एग्जामिनर के पास जो है क्वेश्चन बनाने का स्कोप क्या हो गया आप ज्यादा हो गया एरिया उसका पेरीमीटर ज्यादा हो गया पेरीमीटर ज्यादा हो गया तो आपका भी पेरीमीटर बढ़ाना होगा और इस क्रम में जो है सबसे पहले हम लोग को क्या करना चाहिए तो सबसे पहले आप क्या करें अपना बेसिक जो है अच्छा कर लिया बेसिक अच्छा करने के लिए सबसे अच्छा पुस्तक आप सभी को पता ही है मार्केट में एनसीआरटी ठीक है अब एन में क्या क्या पढ़ना है आपको तो हिस्ट्री पढ़ लीजिए ठीक है जोग्राफी पढ़ लीजिए पोलिटी चाहते हैं तो पोलिटी भी आप एक जो है क्लास का पढ़ सकते हैं बाकी जो है इसमें आप यदि लक्ष्मीकांत ही पढ़ लेते हैं तो आपका काम हो जाता है ठीक है इकोनॉमिक्स के लिए जो है पढ़ने की जरूरत नहीं है जनरली लेंदी हो जाएगा आपके लिए उसमें कुछ टॉपिक ही है ठीक है इकोनॉमिक्स के लिए आप जो है करंट अफेयर से अपडेट करके बाकी जो है मूल तथ्य रखते हुए जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कर सकते हैं ठीक है इसके अलावा मैप मैप भी आपको कर लेना चाहिए ठीक है मैप जो है सारे सब्जेक्ट में ही हेल्प करता है आपको तो एन आप कर लें हिस्ट्री वगैरह कर लें सब मैप ये बेसिक चीज़ें हो गई तो सबसे पहले यहाँ पर जो हम स्टार्ट करेंगे आपका यहाँ पर सबसे पहले हम लोग एन स्टार्ट करेंगे ठीक है तो एन में अब देखिए इसमें हम आपको यहाँ पर बताएंगे ठीक है पढ़ाएंगे चैप्टर पढ़ाएंगे बिल्कुल अच्छे से क्वेश्चन आपको लिखने के लिए दिया जाएगा कुछ एमसीक्यूज आपको लगाने के लिए दिया जाएगा ठीक है दोनों काम आपको करना होगा और इसको आपको टेलीग्राम ग्रुप पे सबमिट करना होगा तो देखिए ये जो टास्क चूंकि बड़ा है तो पैरलि में आपको भी काम करना होगा तो आप लोग इससे जुड़े अधिक से अधिक लोगों में ये लेक्चर जरूर शेयर करेंगे आप लोग इसके अलावा हमारा प्रयास रहा था कि सारे तथ्य जो है डिस्कस कर दूँ टाइम देखिए फिर भी लग ही जाता है तो आप लेक्चर को अधिक से अधिक शेयर करें और आप कमेंट बॉक्स में इस लेक्चर में लिखेंगे कितने लोग जो है इस बैच के लिए तैयार हैं आप कमेंट बॉक्स में केवल यस लिख के जो है यस yes, लिख सकते हैं ठीक है मैं एक सेपरेट जो है ग्रुप क्रिएट करूंगा वहां आपको ऐड किया जाएगा तो मैं बता दूंगा आगे जैसे ही इसका फर्स्ट लेक्चर होगा ठीक है और कैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे हम लोग थोड़ा इसके बारे में देख लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस कर लिए तो लेक्चर को अधिक से अधिक आप लोगों में शेयर कर लें ठीक है जो भी पढ़ने में इंटरेस्टेड रखते हैं जिनको भी यू पी देना है ठीक है आने वाले समय में जो भी एग्जाम देना है अभी तो जो हम लोग बात करेंगे एक डेढ़ महीने जो प्रिपरेशन करेंगे वो सबके लिए ज़रूरी है चाहे यूपीएससी नेक्स्ट लिखने वाले हैं या यूपीपीसीएस लिखने वाले हैं यू पी लिखने वाले हैं ठीक है बीपीएससी लिखने वाला है चूंकि देखिए अब आपको एक बात मैं क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे यदि मान लीजिए हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो क्या हिस्ट्री जो है यूपीएससी के लिए अलग से आएगा क्या बीपीएससी के लिए अलग हिस्ट्री आएगा क्या ठीक है यूपीपीसीएस के लिए अलग आएगा क्या यू के लिए अलग आएगा क्या सारे के लिए हिस्ट्री क्या होगा सेम होगा क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग होगा सिलेबस अलग होगा यही हो सकता है तो बाकी एन जो अगर हम लोग टोटल पढ़ रहे हैं तो सारा का सिलेबस इसमें कवर होता है ये बेसिक जो है सबके लिए है ठीक है तो चाहे आप यू पी देने वाले हैं यू पी देने वाले हैं इस लेक्चर को चाहे आप कोई भी प्रिपरेशन कर रहे हैं ठीक है थीके? आप यदि स्टडी कर रहे हैं सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप इस लेक्चर को अधिक से अधिक उन लोगों में शेयर कर देंगे जो लोग भी पढ़ने चाहते हैं ठीक है चलिए बाकी आपका कोई फीडबैक कमेंट होगा तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखेंगे ठीक है आप लोग का यदि रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो आपके लिए बहुत अच्छे से काम किया जाएगा जैसे मैं आपको बताया हूँ ठीक है चलिए तो इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं बाकी कोई पॉइंट अगर इसमें स्किप हुआ होगा तो बाकी हम डिटेल में आगे चल के जो है जैसे ही सब्जेक्ट वाइज जब हम लोग बात करेंगे तो वहीं पे आपको हर एक सब्जेक्ट में आपको डिटेल में जो भी बातें रह गई हम आपको डिस्कस कर देंगे ठीक है आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद